सो गाइस, इन टुडेज वेबिनार हम डिस्कस करेंगे क्या रोड मैप होना चाहिए हमारा 2023 के एग्जाम को अप्रोच करने के लिए। आपने देखा होगा एक्सपेक्टेड वैकेंसी 248 है। 248 वैकेंसी जो भी है, 248 है, 298 एडजस्टमेंट इस बार, 284 है सर। 284। 284 इज द एग्जैक्ट नंबर। शायद वो चेंज हो जाए अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। वो किसी ने आरटीआई के थ्रू उस नंबर को देखा है। ठीक है, अच्छा, इट इज नॉट अ बैड वैकेंसी दिस टाइम, और बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक है, फाइट कर सकते हो उसमें। ठीक है, पहली बात ये रोड मैप ये होना चाहिए आपका, पेपर वन पे फोकस, पेपर टू पे फोकस, कह सब देते हैं, किस तरह से फोकस करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए हमने स्पेशल वेबिनार रखा है, और जैसे हम सभी ने इस एग्जाम को दिया है, आप में से भी दिया होगा काफी लोगों ने, तो जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया है, एटलीस्ट वी हैव डन इट, जसमंत हैव डन इट। और इसको किस हिसाब से अप्रोच किया जाए, विद द चेंजिंग डायनेमिक्स, एग्जाम चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, यूपीएससी करंट अफेयर लास्ट टाइम इस तरह का पूछा था, काफी लोग उस पर हिल गए। ठीक है, वो करंट अफेयर हैंडल नहीं हो पाया काफी लोगों से, तो अब सब करंट अफेयर्स पे फोकस कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्लैरिटी। अगर आज यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं आई ना कि क्या सोर्स फॉलो कर रहा है, क्या हमें कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी है, क्या चीजें हमें दिमाग में रखनी चाहिए इस एग्जाम को, या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एक चांस में नहीं हो रहा, दो में नहीं हो रहा, क्या इस एग्जाम को छोड़ देना चाहिए नहीं छोड़ देना चाहिए, क्या ये आपके यूथ के मतलब 3-4 साल डिजर्व करता है। ठीक है, तो ये क्लैरिटी जब होगी ना, तो आप इस एग्जाम को अप्रोच कर सकते हो। अगर ये क्लैरिटी नहीं है दिमाग के अंदर, तो नहीं करोगे। तो ये क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, तो आज इस क्लास में आप ठीक बैठे हो। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको तंग करता हो, डायरेक्टली आप पूछेगा, उसका आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सिर्फ कि पेपर वन के अंदर सब्जेक्ट क्या है, ये सबको पता है। तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि इसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, कोई टॉपर कुछ बताता है, कोई टॉपर कुछ बताता है, तो कौन सा सोर्स फॉलो करें। सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। दूसरा, उस सोर्स को कैसे यूज करें। तीसरा, क्या अगर बाद में कोई और नोट्स वगैरह कुछ आपको मिले, क्या वो फॉलो करने चाहिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहिए, एक ही आपको क्वेश्चन रहना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा पजल इसी में होते हैं। तो ये सभी चीजें स्टार्ट करने से पहले जिसमें, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा, आपका एक अटेम्प्ट पहले भी रहा है, 2020 का रहा है। यस सर। 2020 में आपकी क्या गलती हुई थी जो 2022 के अंदर आपने सुधारी। ठीक है, वो गलती मुझे बताओ, क्या उस टाइम माइंडसेट क्या था, क्या आपने मतलब बी फ्रैंक। ठीक है, फ्रैंकली आपको बताना है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद पीपल डू चेंज। ठीक है, समटाइम्स दे डू चेंज अंडर अंडर नी सम इन्फ्लुएंस, वो चेंज हो जाते हैं। तो ये सभी चीजें मैं पहले कंडक्ट कराना चाह रहा हूँ कि जो एग्जाम क्लियर होता है, क्या अभी आपको पता है, यू आर यू श्योर कि आपकी क्या रैंक आने वाली है 2022 के अंदर, 2020 के नहीं अंदर नहीं क्या आपको पता था। 2020 में तो सर जो मेन रीजन था, जो सबसे बड़ा रीजन था, वो मेरा पेपर टू था। क्योंकि तो वो मैं जैसे एग्जाम हॉल से मैं एग्जाम देखने निकला था, मुझे ये तो लग गया था कि पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में जाके पेपर टू की वजह से मेरिट में फंस जाऊंगा मैं जाके। ये चीज मेरे को तुरंत 2000 हिट कर गई थी, है ना। तो फिर खुद ब वही खुद एग्जैक्टली पता चल जाता है उस टाइम। तो बोलते ना कि यूनिवर्स से एक आवाज आती है, एक मैसेज मिल जाता है कि कहाँ किस रास्ते पर जाने वाले हो तुम यहाँ से। तो वो चीज हुआ था मेरे साथ, तुरंत मेरे को आइडिया लग गया था कि किधर जाना था। तो ठीक 2020 का बड़ा यही था। फिर उसमें 22 में मैंने यही प्रूव किया कि पेपर टू पे बहुत मेहनत किया। और जो 20 वाला मेरा अटेम्प्ट था, उसमें मेनली मैंने फोकस किया था सिर्फ पेपर वन की कितना ज्यादा स्कोर किया जाए, है ना। पेपर टू को निग्लेक्ट कर दिया था मैंने उस टाइम पे। तो राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत कम थी मेरी, बहुत मिनिमल मान सकते हो आप। तो वो सब चीज इफेक्ट की थी फिर अल्टीमेटली। मार्क्स भी 87 दिया था, वो पता नहीं कैसे दे दिया, मुझे भी नहीं हुआ कितना दे दिया उसने, अच्छा, है ना। हाँ, ठीक है, तो लेकिन इस बार 22 में मैंने आपके साथ मिलकर काफी मेहनत किया। आप भी छह सीरीज ज्वाइन किया, 14-15 टेस्ट आपके साथ बैक टू बैक लिखे थे मैंने ऑन टाइमली, है ना। तो वो चीज मेरे को एग्जाम हॉल में बहुत हेल्प किया, यानी कि एग्जाम से पहले इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि हाँ कोई भी टॉपिक आया अभी मैं रेडी हूँ उसको टैकल करने के लिए। इतना एक कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे पास। ठीक है। तो देखो, यहाँ हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्टली बिल्कुल एग्जैक्टली जो भी है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑनेस्ट साथ रिव्यू हम है बोल रहे बिल्कुल। हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हाँ हम बोल रहे हैं कि वी आर नॉट डूइंग एनी प्रमोशन। ठीक है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक बात कर रहे हैं, खलूसियत से, ऑनेस्टी से, क्या आपको क्या अभी मैं फ्रेमवर्क हाँ रहना चाहिए। ठीक है, ओबियस मैं भी अभी आप लोगों से कैंडिडेट ही हूँ, एग्जाम प्रोसेस में भी हूँ, आप भी हो, सेम प्लेस में हैं भी दोनों लोग, है सेम प्लेस ना। पे तो है, इनको अभी एग्जैक्टली इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ है, 2023 का दोबारा लिखने वाले हैं, आपके साथ ही लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे आपने जाना कि आपने बोला कि 87 मार्क्स आ गए थे 2020 के अंदर विदाउट राइटिंग मच ऑफ द ये क्वेश्चंस, कुछ नहीं लिखा, सिंपल वहां पे पूरा पेपर आपने अटेम्प्ट किया लगभग। यस 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 यस
ये मैं आपको यही बोल रहा हूँ, जो काफी स्टूडेंट है ना, वो बोलते हैं कि मुझे 85 दिला दो, 90 दिला दो। अरे मैं ये बोलता हूँ, आप एग्जाम में बस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दो, डिसेंट लिख दो, 87 to 90 मार्क्स आपके आ जाएंगे। आ फाइट कहाँ जाएंगे। पे है, आपको 110 और 105 ये मार्क्स आपको लेके आने, ठीक है? 100 100 क्रॉस करने में फाइट है, उधर उधर मेहनत लगती है, तो 2 4 5 नंबर बढ़ाने में। 2 4 5 नंबर बढ़ाने में पूरा ही चेंज करना पड़ता है, ठीक है? एग्जैक्टली, पूरा पूरा अपने आप प्रोसेस को चेंज, पूरा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म करेगा। जब ये 10 नंबर आपके रिफ्लेक्ट होता है, 10 या 15 नंबर, और 10 या 15 नंबर का मतलब है आपकी जो प्रायोरिटी है, जिस फोर्स में आप जाना चाहते हैं, आपकी प्रेफरेंस जो है वो इस पे डिपेंड करती है। नॉट ओनली हेयर, ये पेपर 1 से भी कवर हो सकता है, इंटरव्यू से भी कवर हो सकता है, कहीं से भी कवर हो सकता है, लेकिन आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना। अगर राइटिंग में अच्छा है तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। 110 15 117 तक भी लेके आए हैं, मैंने देखा है काफी कैंडिडेट्स का हाँ स्कोर। जी, यस सर। तो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं इन कैंडिडेट्स के हिसाब से मैं खुद क्वेश्चन करता हूँ दुश्मन, ठीक है? तो मैं खुद क्वेश्चन करता हूँ कि पॉलिटी के लिए, जैसे हम सोर्स पे बात करेंगे, फटाफट सोर्स पे हम बात करेंगे, क्या पॉलिटी के लिए क्या सोर्स होना चाहिए, एक सोर्स मुझे बताओ क्लैरिटी के साथ, कि दूसरा भाई मेरे दिमाग में आए ना, ये कर लो काम चल जाएगा। जो मैंने अभी पिछले 2 3 साल फॉलो करता हूँ, एक ही मेरा है, एम लक्ष्मीकांत ही फॉलो करता हूँ मैं। और उसके अलावा मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जो आजकल विजन वगैरह के जो क्वेश्चन रहते हैं पीटी के, ठीक उनको है, सॉल्व करता हूँ। बस ये 2 ही सोर्स है मेरे। इसके अलावा पीवाईक्यूज वगैरह जो जनरली सब करते ही है। ओके। तो 2 क्वेश्चन आपने बोला कि आपने, एक तो क्वेश्चन बैंक लगाते हो आप, विजन आईज का, ये वाली आप विजन फॉलो करते हो, आईएएस, ढेर इसमें सारी जो भी मल्टीपल है मार्केट है। मेरी। हाँ, जो भी अवेलेबल, क्योंकि टेलीग्राम प्लेटफॉर्म में आजकल सब अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है है, ना, तो उसको मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन बैंक, जहां से आपको मिले आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है, पीवाईक्यू के अलावा काम नहीं चलेगा। बाकी ये जो चीजें हैं, विजन आईएएस और ये जो चीजें, आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें मैंने देखा है सीएपीएफ के परस्पेक्टिव से काफी चीजें नहीं है, आपको फिल्टर करना आना चाहिए कि ये तो नहीं आता भाई, इसको छोड़ दो, उसमें सिर दर्द नहीं करना है, ठीक है? काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर इस तरह की चीजें आप खुद ब खुद फिल्टर नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम में है आप। बहुत सिलेक्टिवली उस विजन, जो भी जो सिविल सर्विस के लिए जो भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फिल्टर आउट जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसको इस हिसाब से सोचना है। दूसरा मुझे बताइए, एंशंट हिस्ट्री के लिए और मिडाइवल और मॉडर्न, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती होती है। हाँ, तो इसमें अभी मैं तीनों को एक ही साथ कवर कर देता हूँ। इसमें टेस्ट सीरीज में भी कुछ पॉइंट्स जोड़ने थे मुझे। तो टेस्ट सीरीज में ये है कि टेस्ट सीरीज भी है ना, विजन आईएएस, इनसाइट वगैरह, फॉरम आईएएस, इनकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है टेलीग्राम पे। ठीक इनको है, सॉल्व करने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि कॉन्फिडेंस आता है। जो हमने पढ़ा अभी पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा, फिनिश किया, उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया, तो हमें क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, जो मैं पढ़ के आया हूँ वो मेरे अंदर कितना परसेंट गया है, कितना इंटेक हुआ है, जो मेरे मिस्टेक है उसको तुरंत मैं जाके अभी सुधार सकता हूँ। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, भी क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे हैं, तो इसका मतलब आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा मैं। ये चीज मेरे को बहुत हेल्प किया था पेपर 1 में। ठीक है। तो इमीडिएट लिटमस टेस्ट, मतलब देखने के लिए क्या परफॉर्मेंस है, हाँ कहाँ पे है, हम ये टेस्ट सीरीज का सहारा ले सकते हैं। अब हाँ मुझे जैसे बताइए कि फॉर असेसमेंट। एग्जाम्पल, हाँ, हाँ इसमें मैं बताऊंगा कि मैं कैसे, मतलब मेरा कैसे पढ़ता हूँ। ये पॉलिटी सब्जेक्ट उठाया मैंने, लक्ष्मीकांत उठाया भी, तो लक्ष्मीकांत को मैं फिनिश कर दूंगा पूरा। उसके बाद फिर इसके जो विजन वगैरह का 4 5 टेस्ट सॉल्व करूंगा बैक टू बैक, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मुझे पता चल जाता है मेरा कहाँ पे मैं चूक, यानी कि मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं सीख रहा हूँ। तो जहाँ मिस्टेक करता हूँ उसको तुरंत ऑन स्पॉट, क्योंकि टाइम होता है, अभी तुरंत पढ़ के आया हूँ, तो चीजें जल्दी उस समय मैं सुधार सकता हूँ। यदि मैं उसको छोड़ दूँ कि आज नहीं, 10 दिन बाद करूंगा, 1 2 महीने बाद करूंगा, तो चीजें फिर वो भी रिविजन उसको मांगती है ना, तो तुरंत कर लेते हो आप एक चैप्टर, यानी बुक खत्म करने के बाद, तो ज्यादा अच्छे से स्कोप रहता है तुरंत चीजों को इम्प्रूव करने का। ठीक है। सेम तो चीज हर एक सब्जेक्ट का, यही सेम स्ट्रेटेजी है मेरा। जैसे कि एनशियंट की मैं बताऊं, बुक बताऊं आपको, तो मेरा दृष्टि आईएएस की बुक है, हिंदी में है जनरली, वो इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, हिंदी में भी कवर कर लेता हूँ थोड़ा रेफरेंस के लिए, ठीक है, उसको भी पढ़ लेता हूँ एनशियंट के लिए। इसके अलावा अपना एनसीईआरटी की थीम्स तो है, वो मस्त है, क्लास 12th की, उसको तो एकदम बाई हार्ट कर लेता, लाइन टू लाइन वहां से क्वेश्चन आ रहा है सिंपल, है ठीक है, ना। ऐसे मेडिवल की थीम्स की पार्ट 2 है, मॉडर्न की पार्ट 3 है, तीनों बुक्स को तो एकदम बाई हार्ट कर लेना, क्वेश्चन आना ही आना है इन बुक्स से, है ना। तो ठीक ये है। चीजें तो अपने होनी चाहिए। उसके बाद ये सेकेंडरी चीज है, दृष्टि आईएएस की या लुसेंट की पढ़ते हैं बंदे, वो सबका अपना एक पर्सनल चॉइस है कि इसको कौन सा अच्छा लग रहा है ना, ठीक वो है, रेफरेंस बुक है। अगर टाइम रहा तो उनको पढ़ लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे काम हो जाता है। एक सोर्स फॉलो करना हो तो सिर्फ अगर हिस्ट्री एक की। सौ हाँ, अभी मैं बोलूँ जैसे टाइम हमारे पास है, तो सिर्फ ये थीम्स को पकड़ो, प्लस स्पेक्ट्रम पकड़ो मॉडल के लिए, बस दिस इज इनफ। खत्म, ठीक है। प्लस बिल्कुल 100%। पीवाईक्यूज तो आप करने वाले हो, तो हाँ इमीडिएटली आपके पास यही ऑप्शन है,
यहाँ पे देखो हमारी ऑडियंस बहुत मैच्योर है, वो ऐसे नहीं है कि फर्स्ट चांस वाले कोई नहीं है, वैसे तो मैच्योर ऑडियंस है। तो देखो दो तीन चांस देने के बाद भी खुद ब खुद मुझे नहीं लगता कि अब कोई कैंडिडेट इधर उधर ज्यादा भागता है। जितने नंबर ऑफ चांस हो जाते हैं ना, वो एक सोर्स पे ही अटक जाता है। बाद में जो इंट्यूशन उसकी काम करती है एग्जाम के अंदर कि हाँ वो पढ़ ले, जो पहले पढ़ा है वो काम आता है ठीक है, लेकिन उसको लास्ट में नहीं पढ़ते, उसके लिए वो जो ज्यादा उसने एक्सेस पढ़ा है ना, अपना होराइजन बिल्डअप किया है, उससे उसको ये फायदा हो जाता है, उसकी इंट्यूशन जो पावर है वो बढ़ जाती है, बस इंट्यूशन का काम अच्छा हो जाता है। बाकी जो क्वेश्चन ठीक होने होते हैं वो इसी से बेस इसी से बनता है, थीम जो आपने एनसीईआरटी की है, प्लस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का आप छोड़ नहीं सकते, नोट्स फॉर्म में है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू नीड टू स्टडी स्पेक्ट्रम ठीक है। स्पेक्ट्रम आप पढ़ लो, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है उसको छोड़ने का मेरे हिसाब उसकी कोई चॉइस नहीं है ठीक है। अब हम आते हैं, देखो एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न बहुत मेजर रोल प्ले करती है, इसलिए मेजर रोल क्यों प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से गलतियां होती हैं, क्वेश्चन बहुत आते हैं, गलतियां होती हैं, गलतियों से बचने के लिए आपको इसकी मल्टीपल रिवीजन लेनी पड़ेगी। आप मुझे एक नंबर दे दो कि आपने एटलीस्ट इनको कितनी बार रिवाइज किया अभी तक, एक नंबर। मैं। हाँ तो इसमें मैं पहले अटेम्प्ट की बताऊँ, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो उस टाइम कितनी बार कर पाया था मैं, तो उस टाइम मेरा अप्रोक्स 4 से 5 बार हो गया था रिवीजन फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी तो क्या नंबर नहीं बता सकता मैं कितना हो गया, मुझे भी नहीं पता है फिर ना। भी ओवरऑल मतलब 2022 में जब दिया था अटेम्प्ट, हाँ तो 2022 को बता सकता हूँ, तो उसमें भी 5 से 6 रिवीजन हो गए होंगे मेरे आराम से। पांच से जब हुई थी और 10 4 से 5 जब हो गई थी, 8 9, इस बार भी आप 4 से 5 तो करोगे तो 12 13 रिवीजन हो जाएगी एग्जैक्ट ठीक है। हाँ तो ये एक जर्नी रहती है। ओके अब हम आते हैं इंडियन ज्योग्राफी पे और फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कोरिंग पार्ट रहता है, ये स्कोरिंग पार्ट रहता है, कॉन्फिडेंस आता है अराउंड 25 टू कई बार 30 भी क्रॉस हो जाते हैं क्वेश्चन इसमें। तो ये दोनों के मिला के इंडियन ज्योग्राफी प्लस इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, तीनों के लिए मुझे सोर्स बताइए आप, क्या इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्या होगा, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, यहां से आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के लिए जो है अपने क्लास 11th की दोनों बुक्स हैं, प्लस ठीक है। फंडामेंटल दोनों इससे कवर हो जा रहे हैं 11th की बुक से। इसके अलावा जो 12th की दोनों बुक्स हैं, जो इंडिया एंड पीपल एंड इकोनॉमी जो अभी मैं रख के बैठा हूँ उसे पढ़ ही रहा था आज मैं, है ठीक है ना। तो ये रही बुक, मैं पढ़ ही रहा था इसको तो ओके ठीक ये। हाँ तो इससे हमारा हो जाता है। इसके अलावा हमारी एक और है क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी, जो ये भी आज ही कवर की है मैंने, दोनों खत्म किए आज ही, है ह्यूमन ना। ज्योग्राफी ठीक है हाँ तो ये दोनों हमारे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। मैं कोई भी अगर पूछना चाहे कि मुझे देखना चाहे, मैं बता सकता हूँ कि वहां से क्वेश्चन आया है, हर साल आ रहे क्वेश्चन पिछले 2 3 साल से अगर मैं इसको दोनों प्रायोरिटी बुक से। लेवल पे सेट करूं जसमंत, के इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी, काफी लोगों को तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है, बट मुझे इसकी प्रायोरिटी बताओ कि सच में अगर मैं इसको प्रायोरिटी में रखूं, पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ूं फिर फंडामेंटल पढ़ूं, या फिर ये दोनों होने के बाद मैं ज्योग्राफी पे स्विच हो जाऊं, अगर मेरे पास टाइम कम है, क्या इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी को मैं छोड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ ऑप्शन है? ऐसा मैं इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ ना, जैसे कि क्लास मतलब सॉरी 2020 को तो मेरा अटेम्प्ट था, तो उस टाइम पे मैंने भी यही किया था, मैंने छोड़ दिया था उस टाइम पे, स्किप कर दिया था। थोड़ा सा बोरिंग है पढ़ने में, थोड़ा दिक्कत होती है तो पहले रीडिंग लेने में, लेकिन उसका अल्टीमेटली 2 3 क्वेश्चन आए थे बीच में। अगर वो 2 3 क्वेश्चन उस समय मैं बना लिया होता तो 2 नंबर से वो मेरिट मेरी उधर बन जाती, आज मैं ठीक है अकेडमी ठीक में होता, है ना। वो है चीज उस समय मुझे रियलाइज हुई थी कि आप एनसीईआरटी को लाइटली नहीं ले सकते, क्वेश्चन आते हैं इनमें से इनको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जितने बोरिंग हो, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आपको कंपटीशन से आगे स्टैंड आउट करेंगी, अलग करेंगी भीड़ से, क्योंकि ठीक है 2 4 नंबर जो बहुत आगे लेके जाते हैं, मेरिट बनाते हैं फिर। ये चीज मेरे को उस दिन रियलाइज हुई थी जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था तब, तो फिर मैंने ये मिस्टेक सुधारी 2022 में, फिर इसको मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया है। तो इसका फायदा आपने मिला जब 22 आपने में ये क्वेश्चन आए थे सारे यस अटेम्प्ट हुए थे। आपने ये तैयार किया है, तो उसका तैयार करने का तरीका क्या होगा, हर एक बुक का मुझे बताइए, जैसे तैयार आप क्या इसके नोट्स बनाते हैं या उसी में हाईलाइट करते हो बुक के अंदर, क्या तरीका रहता है, क्या मतलब आपने, चलो आपने फॉलो कर लिया, एक बेटर तरीका क्या हो सकता है, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप उसी में अंडरलाइन करते हो, नहीं क्योंकि कई बार क्या होता है अंडरलाइन करते हैं तो शायद इतना टाइम नहीं होता, मैं हमेशा नोट्स नहीं बनाता, मैं कभी नोट्स नहीं बनाता एटलीस्ट पेपर वन के लिए ठीक है, उसके लिए कभी नोट्स मैं बनाता नहीं हूँ, मैं एनसीईआरटी के कभी नोट्स नहीं बनाए ठीक है, तो आपका क्या अप्रोच रहती है? मेरा अप्रोच वही है, जैसे ही मैंने अभी ये फिजिक्स ह्यूमन वाली खत्म किया, तो इसमें भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है रिवीजन के लिए। जब एक बार मेरा एक दो रिवीजन अभी तो फिर 2 3 घंटे में खत्म हो जाता है मेरा ये वाला बुक, ठीक है है ना। तो रिवीजन उसमें क्या है, जब क्वेश्चन के नेचर को समझा पहले मैंने कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है,
फिर उसके बाद क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, कुछ काम की है कुछ नहीं है काम, तो उसमें उसको फिल्टर आउट की मैंने कि मेरे काम का क्या है इस उसमें। तो जब मैंने फिल्टर आउट किया तो उसमें मुश्किल से 30 से 40 पेज बस बच के रह जाते हैं, है ठीक है। ना। तो वो चीज मैंने जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट डाटा है जो मेरे को लगता है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। जब भी एग्जाम के टाइम पे रिविजन करना होता है तो सिर्फ मैं वही देखता हूँ जो मैं हाईलाइट करके बैठा हुआ, क्योंकि मैं पहले ही उसको फिल्टर आउट कर लिया, नहीं यहीं से क्वेश्चन आएंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो वही चीजें सेम एग्जाम में भी होती है, वहीं से पूछे जाते हैं। तो एग्जामिनर के माइंड सेट को समझना होगा जो पी वाई क्यू उसको सॉल्व करके हमें सबसे बड़ी चीज। तो जैसे आपने कहा कि एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना है, थिंक लाइक एन एग्जामिनर। आप एक पेज पढ़ो या फिर एग्जैक्टली एक चैप्टर पढ़ो, आप ये पूछो कि अब मैं इसमें से क्वेश्चन फ्रेम करूं तो क्या पार्ट इससे पूछ सकता हूं। कई बार आप देखोगे ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं तंग करने के लिए कैंडिडेट को। बहुत सारे आपने फैक्ट देखे होंगे इंडियन पीपल इन ज्योग्राफी में से, आपने देखा होगा इंडियन पीपल इन इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी से, यहाँ से ऐसे फैक्चुअल भी क्वेश्चन आते हैं। और कई बार ऐसे आप देखोगे रिडंडेंट से क्वेश्चन आते हैं जिनका कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो यूपीएससी पूछ रहा है उसको। ठीक है, फैक्ट बेस्ड होते हैं वो, आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि यूपीएससी को पता है ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए यूपीएससी उसको फिर भी फ्रेम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक हाँ, है। वो बुक्स में है ऑलरेडी अवेलेबल है बहुत सारे फैक्ट, जो उनको रिमेम्बर करना, याद करना, मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेकिन करना पड़ेगा अगर मार्क्स सही है हमें, तो कोई चॉइस नहीं है उसमें, है ना। राइट, करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। यूपीएससी को पूछता ही नहीं है आपको क्या पसंद है क्या नहीं है। और यूपीएससी ने एक सिलेबस डिफाइन करा है, हाँ देखो ये सिलेबस है, करना है सिलेक्शन लेना, तो ये बुक पढ़नी पड़ेगी, बात खत्म। ठीक है, अब बिल्कुल, मूव करते हैं साइंस पे। साइंस मुझे लगता है ज्योग्राफी के बाद साइंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, प्लस काफी स्टूडेंट्स के लिए नाइटमेयर है। कोई ह्यूमैनिटी से आता है तो उसके लिए दिक्कत है। ठीक है, तो इसमें साइंस में भी तीन आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, प्लस इसमें थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग भी करेंगे हम, जैसे आपको पता है कि एवरीडे साइंस करके भी है आपके क्लास 11 और 12 चैप्टर में। ठीक है, क्लास 11 और 12 के अंदर वो कौन से चैप्टर हैं जिसको फॉलो करने की जरूरत है वो भी आप मुझे बताइए। और साइंस के लिए कौन सा सोर्स रहेगा, लूसेंट रखें, कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, लूसेंट या फिर एनसीईआरटी, एक सोर्स। साइंस में तो एक जो सोर्स है वो 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लास 9 प्लस 10 इन दोनों में से क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं यहाँ से। तो ठीक है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकेंगे, इनको तो एकदम बाई हार्ट लाइन सपने में भी याद आनी चाहिए कि ये यहाँ से क्वेश्चन आया इस पेज से, ठीक इस है, तरीके से तैयार करना है इनको, है ना। इसके अलावा जो एक और रेफर किया था मैंने, लूसेंट रेफर की थी थोड़ा सा जनरल और ओवरव्यू देने के लिए अच्छे से, तो ठीक है। लूसेंट भी लूसेंट रेफर एरिंडा करनी साइट। चाहिए क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत अच्छे दिए हुए हैं, फटाफट हाँ रिवीजन के लिए लूसेंट हम फॉलो कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये सब होने के बाद कुछ एक फैक्ट जो है, मैंने पर्सनली लूसेंट भी पढ़ी है, मैंने एनसीईआरटी भी करी है। और लूसेंट की एक और बुक आती है स्पेशल, एक साइंस के नाम से है, उसका बुक का नाम है उस पे जनरल साइंस करके, उस पे एग्जैक्टली बटरफ्लाई सी उसी बनी हुई उसी की है। बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ वो वाली, ठीक है। एक वो आती है जनरल जनरल नॉलेज वाली, जिसके अंदर साइंस का थोड़ा सा पार्ट आता है। एक स्पेशल बुक आती हाँ है, वो आप स्पेशल बुक की बात कर रहे हो, हाँ जनरल जी, साइंस मैं स्पेसिफिक वाली, स्पेसिफिक वाले में आप देखोगे वो जो सीएपीएफ के अंदर जो साइंस आती है ना, वो उसी लेवल का उसके अंदर दिया हुआ है, बल्कि उससे 2-3 लेवल ऊपर ही है मुझे हाँ लगता जी है। हाँ जी, ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो आप अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, टाइम टाइम है नहीं भी है तो तो बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है उससे क्वेश्चन आपका आपको हेल्प होती है सच में सोल्व करने पे। काफी जो इजी क्वेश्चन होते हैं ना, और बाद में जब कोचिंग वाले बोलते हैं कि ये क्लेम करते कि हमारी टेस्ट सीरीज से आया है, वो इजी क्वेश्चन तो आप भाई कर ही दोगे। ठीक है, वो इजी क्वेश्चन कर दोगे, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कुछ ग्रेट काम हुआ है। बात ये होनी चाहिए जो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं उसको डील कैसे करें, जो सिलेक्शन दिलाते हैं बेसिकली। मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे कि आपको 2018 का जो पेपर आप देखे होंगे तो कितना टफ पेपर है, अगर आपने लूसेंट का जनरल साइंस अच्छे से किया होगा तो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चनों को भी आप फ्रेम कर सकते हो, बना सकते हो अच्छे से, उनको भी टैकल कर लोगे, तो वो फायदा वहां पर मिलता है। जब तक एनसीईआरटी क्लास 9 10 से वर्ड टू वर्ड आ रहा है तो तब तक कोई दिक्कत नहीं, पेपर ईजी है तब तक। जिस दिन वहां से पेपर नहीं आएगा, थोड़ा सा अपर 11 12 का अगर एग्जामिनर चला गया, पर दिक्कत हो जाएगी बच्चों को, तो उसके लिए जो लूसेंट की जनरल साइंस है वो कम्प्लीटली 9 से लेकर 12 तक उन्होंने कवर किया हुआ है उसमें, तो ठीक वो है, हेल्प करेगी हमको उन क्वेश्चन को हैंडल करने में, जब पैटर्न चेंज करेगा एग्जामिनर तब, हमारा राइट, बैकअप है, अगर वो काम आएगा तो ठीक है, नहीं तो बैलेंस बुक चली रहा है जी ने। बैकअप है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली ये बैकअप के लिए हम यूज कर सकते हैं, बैकअप के लिए, क्योंकि आपने इतनी अच्छी लाइन बोली है कि 9 से 12 तक की उसमें समरी है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
बाकी बहुत सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है। 11th और 12th में जो हम AIEEE और JEE के लिए तैयारी करते हैं वो हाँ भी चीज है, लेकिन वो नहीं है उसमें। वो जर्नल मतलब जो हाँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके UPSC लेवल और SSC के लिए जो आती है, उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, उसकी समरी उसके अंदर उसी है। हिसाब से डिजाइन की गई है वाली को। ठीक है, एक्सेलेंट। तो लूसेंट को हम वहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लूसेंट के क्या हमें स्पेशल NCERT के जो कुछ एक चैप्टर बोलते हैं कि एनवायरमेंट के या फिर वो वाले चैप्टर, वो करने चाहिए? इसमें हमारा बायोलॉजी की लास्ट लास्ट 12th की बुक है, उसमें लास्ट के 2-3 चैप्टर्स हैं ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, स्पेशली जो एनवायरनमेंट वाला पोर्शन से आ जाते हैं 2-4% कभी कभी, तो वो कवर करना है। इसके अलावा केमिस्ट्री की बुक है, उसमें एनवायरनमेंटल क्या पता है, उसमें भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ मेडिसिन वगैरह के नाम है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है। वो लास्ट के कुछ एक चैप्टर हैं, 3 या 4 चैप्टर हाँ हैं लास्ट दोनों के बुक्स हैं, में, लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं। क्या आपने वो किए थे? सही बताइए। हाँ अच्छा, मैंने 22 वाले अटेम्प्ट में, 20 वाले में नहीं किए थे, तो वेरी ऑनेस्ट 22 वाले में जरूर मैंने किए थे दोनों बुक्स के अच्छे कुछ से। मतलब एग्जाम में हेल्प हुई, क्वेश्चन आए एग्जाम में वहां से? मतलब अगर आते तो अभी ऐसे मैं कर लेता, लेकिन उधर से आए नहीं, 9-10 से आए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, अगर आते तो भी फिर मैं कर लेता। हाँ तो ठीक है, तो मैं बैकअप के आई लिए। एम हाँ बैकअप, क्योंकि एग्जाम का भरोसा नहीं है कब क्या पूछने वाला है एग्जाम में, है सही कह ना। रहे हो, क्योंकि ये होता है ना, एक बार आप मतलब 2 मार्क्स से अगर मिस करते हो ना मेरिट हाँ लिस्ट, तो फिर अंदर से रिस्क ही नहीं आता है लेना भाई चाह रहे तू कुछ किसी भी नहीं, चीज मतलब साल भर लगा है, का, ठीक है, तो उसको कैसे ना कैसे करके कवर करना है। अब ये चीज था मेरे 2000 साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मतलब ठीक है ठीक है छोड़ दी, भी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसा थोड़ा सा, वो बहुत ही हल्का सा बिहेवियर रहता है चीजों को छोड़ने का, है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा होता है उस टाइम पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत लूज रहते हैं, लेकिन जब एक जो होता है ना, आप दहलीज पे पहुंच चुके होते हैं, फिर वहां से अंदर नहीं एंटर कर पाए, वापस आ गए जीरो से, जब भी आपको जरूर करनी, जीरो तो एक से, अलग सब काइंड जीरो ऑफ से। एनर्जी होता है। हाँ आप अपने अंदर भी एक गुस्सा भरा हुआ है, वो जो गलती हुई है उसको सुधारने का, तो वो उस समय कोई रिस्क नहीं ले सकते हम, तो वो चीज थी। चीज और बताओ मुझे यशवंत, जैसे हाँ आपने बताया कि ये वाला पार्ट था कि दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है, और हाँ काफी कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे इतना कुछ पढ़ लिया हमने, लूसेंट भी पढ़ ली, साइंस भी पढ़ ली, तो अल्टीमेटली एग्जाम में जैसे किसी को एंग्जाइटी हो जाती है या फिर वहां पे उनका दिमाग नहीं चलता है, ठीक है, एग्जाम से पहले ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब एक हफ्ता पहले या फिर 1 महीने पहले, कि हम बहुत ज्यादा ना पढ़ें और मतलब दिमाग की दही ना हो, कुल मिला के ये मतलब कैसे फोकस्ड रहें। कई बार क्या होता है, पढ़ बहुत कुछ लिया है, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो एग्जाम में कैसे हैंडल करें अपने आप को? तो एक मतलब सभी हम स्टूडेंट, तो मैं बता सकता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो रहा है दोनों बार का, तो उसमें ये होता है एग्जाम के टाइम पे, यानी कि 8 दिन के जैसे ही जुलाई का महीना चालू होगा, 15 जुलाई आया, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, बहुत सारी चीज पढ़ने को रह गई है ना, जो पढ़ा है वो भी आगे आ रहा है, तो एक बहुत नेचुरल फीलिंग है मेरे हिसाब से सबके साथ होती होगी ये चीज, नर्वसनेस आती है। लेकिन उस टाइम पे सबसे बड़ी चीज यही है कि अपने आप को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस देना, मैंने जो पढ़ा पढ़ा है उस पर बिलीव करना है, सबसे बड़ी चीज जो ठीक है। पढ़ा है वो काम आएगा मेरे आगे, है ना। तो वो चीज है अपने को मोटिवेट करते रहना है, यस मैं एग्जाम क्रैक करूंगा क्रैक करूंगा, ये बहुत हेल्प करता है आगे चल के। यदि नेगेटिव लेके जाओगे, नेगेटिव मूड में रहोगे, तो फिर वो आगे रिजल्ट भी नेगेटिव आते हैं उसी हिसाब से, है एक ना। बात और जसमंत, एग्जाम इस बार किस किस डेट को है, 2023 का? अगस्त को है, छह 6 अगस्त, अगस्त को है, हाँ जी 6 अगस्त को है। ये बताओ मुझे, क्या आपने भी 6 अगस्त के हिसाब से आपने डिजाइन किया अपना शेड्यूल, या फिर पहले कुछ ऐसा सोचा है? नहीं, मेरा जो है जुलाई का महीना मेरा रहता है, मतलब मैं मानता नहीं हूँ मैं पढ़ाई वाला महीना है, जुलाई वाला महीना जो है मेरा मेहनत का महीना, स्पेशली 15 जून तक है, जहाँ तक मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं अपने। 15 जून के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे को फोकस करना है बुक्स को, कितनी बार रिविजन कर सकता हूँ जो पढ़ा हुआ है मेरा सारा। ठीक है, देखो आप 8 दिन लोग के टाइम देखो। में, हाँ मैं बताना चाहूंगा इसमें और 2-3 चीज ऐड करूंगा, ऐड करो आखिर का प्लीज। जो महीना होता है ना जुलाई वाला स्पेशली, तो उसमें क्या करना है, एक तो रिविजन करना है अपने आप को बहुत अच्छे से, दूसरा क्या है PYQ जरूर सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि PYQ सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मेरे को PYQ पढ़ रहे हैं तो मैं एग्जाम में आगे भी कर पाऊंगा, PYQ जरूर करना है मेरे साथ। मैं तो करता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, कॉन्फिडेंस मिलता था, ज्यादा नर्वस नहीं रहता था उस वजह से, क्योंकि PYQ यूज नहीं करोगे तो बहुत चीजें मन में चलती रहती है, जब तक तुम्हें खुद ही नहीं पता क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, एक बार क्वेश्चन बनेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर भी, तो वो चीज आगे बिल्कुल हेल्प करती है एग्जाम में जब आप जाओगे। हाँ राइट। तो आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज किया कि डेडलाइन आपको है ना 6 अगस्त की नहीं रखनी है,
अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ना, तो आपको दिमाग में ये रखना है एग्जाम 15 जून को है, उस हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। 15 जून के बाद आपके पास टाइम ही कितना रहेगा, 45 days प्लस 6 या फाइव, 45 days। 50 days ना मैक्सिमम। और 50 days में कुछ भी हो, मतलब आप ये बफर लेके चलो, शायद आपको कोई बीमार हो जाओ, 10 दिन तो वैसे ही खराब हो जाता, कोई शादी आ गई, इधर जाना पड़ गया, उधर जाना पड़ गया, बफर लेके चलो आप। तो कुल मिला के 15 जून तक आप अगर आप डेडलाइन सेट कर लोगे कि मेरा एग्जाम इस दिन है, यहाँ पे आप सबसे ज्यादा अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन में लाओगे। और जो आखिरी वाला जो टाइम होगा ना, जहाँ पे आपको एंग्जाइटी अटैक ये सारी चीज आने पड़ेगी, वहां थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, आप सिर्फ फोकस करोगे रिविजन पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, कुछ भी करना हो ना, दिस इज द टाइम, ये 2 महीने आपके पास है, ठीक है? इस 2 महीने में आप जो कर सकते हो उतना आपको करना चाहिए, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा है, ये अभी तक की टेक अवे है। 15 जून आप सेट कर लो डेडलाइन, ये मेरी डेडलाइन है, अभी तक मुझे सब कुछ प्रिपेयर कर लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना, पेपर 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, दोनों। ओके हाँ, तो इसमें फायदा सर इसमें ये हो जाता है कि आखिर के टाइम में ऑब्वियस है कि जो लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है एग्जाम का, डर सा माहौल बन जाता है, एक डर का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चाहे एग्जाम मैंने 2 बार लिखा हो 3 बार लिखी ना, वो डर तो सबको लगता है एग्जाम से थोड़ा सा, है ना। तो वो चीज इसलिए क्योंकि जब आखिर के महीने के लिए चीजें छोड़ देते हो ना, तो वहाँ पे डर है, तो वहाँ पे नई चीजें नहीं जाती, दिमाग में इंटेक नहीं कर पा रहे दिमाग उस ऑलरेडी इतना स्ट्रेस रहता है, और नई चीज आप ऐड करोगे तो वो नहीं ले पाएगा, फालतू उल्टा और जो किया है वो भी आप भूल जाओ। उससे बेटर है कि ये जो अभी जो रिलैक्स फेस चला है अभी वाला, ये है मेहनत का फेस, यहाँ पे अपने आप को जब मीटर खींचना है अपना अच्छे से, इधर अपने पूरे एफर्ट लगाने जितने दे सकते हो आप, है ना। बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे जसमंत, इसमें मुझे बताओ कि करंट अफेयर 2022 के अंदर अनएक्सपेक्टेड लाइन पे था या फिर एक्सपेक्टेड लाइन पे था, ये बताओ मुझे। करंट अफेयर मतलब ज्यादा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि शायद मैं 2 साल हो गए मेरे को करते हुए एटलीस्ट, तो ज्यादा तो मुझे नहीं लगा कि ज्यादा ट्विस्ट किया है उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका बदल दिया था उसने, डिफेंस वाला सेक्शन ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया था, प्लस कंप्यूटर के एक दो क्वेश्चन थे उसने। हाँ, तो डिफेंस का मेरे को फायदा ऐसे मिल गया था कि मैं डिफेंस के यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, तो न्यूज सुनता रहता हूँ डिफेंस का, वो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उस वजह से वो मेरे को ज्यादा टफ नहीं लगे, तो मैं कर पाया था उनको आराम से। हाँ, ठीक है, तो तो वो चीज सबके है। लिए कुछ ना कुछ काम करता है, आपके लिए उस टाइम पे वो वाली नॉलेज काम करेगी, हाँ किसी के लिए मुश्किल हो सकता है, उनको क्या बताए टोरेंट बेल एग्जैक्टली क्या होती है, ये क्या होता है नहीं होता है। कई बार क्या होता है, डिफेंस न्यूज देखते हो तो आपकी हाँ इंट्यूशन बिल्ड हो जाती है, शायद आपको भी ना पता हो क्या होती है टोरेंट गन, उस हिसाब से एग्जैक्टली ना पता हो कुछ एक चीजें, बट एक इंट्यूशन काम करने लग जाता है, यार आई विल गो विद दिस, हो जाएगा काम, इससे मैं कर लूंगा, ठीक है? ओके okay. एग्जैक्टली अब मुझे बताओ इससे हम क्या सीख लें, क्या करंट अफेयर्स पे क्या हमें ज्यादा फोकस अब शुरू कर देना चाहिए, या फिर मतलब जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं उसी पे फोकस करें? पर्सनली अगर मेरे से पूछा जाए तो अभी ज्यादा ऐसा कुछ करने वाला चीज नहीं है उसमें, जनरल जो चीजें हो रही है, जो चीजें लेटेस्ट करंट में डेवलप, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊंगा 2 इंसिडेंट हुए हैं, ALH मार्क ध्रुव हेलीकॉप्टर है हमारा, इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी का, अभी रिसेंट में 2 इंसिडेंट हुए उसको क्रैश होने के, तो क्रैश हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है हमें उसके बारे में जानना। क्वेश्चन प्रोबेबली हमने देखे पिछले साल पूछे गए हैं हेलीकॉप्टर वगैरह से, तो हमें उस मतलब जो एक क्या नाम है हेलीकॉप्टर है उसके बारे में जानना जरूरी है कि भाई कौन से मैकेनिज्म है, क्या क्या उसके पार्ट्स के नाम वगैरह है, इंजन वगैरह कहाँ किसने बनाया है, वो सब चीज हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि 2 इंसिडेंट मेजर हो चुके हैं अभी, दोनों बार इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दोनों ने उसको फ्लीट को अभी ऑपरेशनलाइज के लिए कुछ दिनों के बंद कर दिया है, ठीक है, तो तो मतलब इसलिए जो जानना मेजर जरूरी है। हाँ एक्विजिशन हो रहे हैं या फिर उसके उससे रिलेटेड, एक्विजिशन से रिलेटेड अलग चीजें जो हैं, कोई डिजास्टर या फिर कोई हैपनिंग हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, उस इंसिडेंट पर हो जा रहा फोकस है करो। उसका, हाँ, उस पर हाँ भी फोकस करना है आपको। नॉट ओनली डिफेंस, अगर मैं बात करूँ तो जसमंत, यहाँ पे सब डिफेंस के चीजें अलावा देखा जाए भी तो काफी और करंट अफेयर्स आते हैं, तो उन करंट अफेयर्स को क्या मतलब कैसे डील करें, क्या आप सोर्स क्या फॉलो करते हैं? सोर्स इज द मेन दिस थिंग हियर करंट अफेयर्स के लिए, ढेर सारी मैगजीन पढ़ना शुरू कर दे, ओवर बर्डन कर दे दिमाग को, क्या करें मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सोर्स का मैं बिल्कुल एकदम प्रिसाइज बताऊंगा, जो आज भी फॉलो कर रहा हूँ अभी भी रखी हुई है मेरे पास लिंक्डइन, तो उसमें प्रमोशन में किसी का नहीं करा, जो पर्सनल मेरे को पसंद है वो फॉलो करता है वो कर रहा हूँ। मिशन सीएपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो ठीक है उनका मैगजीन है करंट अफेयर का, तो ठीक है। उनका मैंने अपने सारे अटेम्प्ट उन्हीं का रेफर किया, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका तो बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, ठीक है गाइस, 90% आप ये क्वेश्चन वहां से बन फॉलो कर जाते हैं। सकते हैं, तो यू गाइस कैन फॉलो दिस मिशन सीएपीएफ ऑफ ये वाला, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो, ठीक है? जसमंत के लिए ये काम कर रहा है, शायद आपके लिए भी कर ले, ठीक है? तो करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो फ्रॉम हियर, ठीक है? अननेसेसरी इधर उधर मत भागो, अगर और कोई कहीं आपके लिए फालतू अच्छा काम कर रहा है इवन तो आप एटलीस्ट वहां पे कर सकते हैं।
हाँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उधर से हो जाएगा, लेकिन 90% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उधर से, ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो एक इनकी मेजर प्रॉब्लम तो एटलीस्ट सोल्व होगी, करंट अफेयर्स कहाँ से करें। ओके बिल्कुल, उसके लिए ज्यादा घबराने, कोई स्पीडिंग वगैरह कहीं मेरे हिसाब से नहीं देखना है, सिर्फ उसको पढ़ो बस अच्छे से, 6 महीने की कवर कर लो, जनवरी से लेके जून तक की, हाँ, बस आपके ये 90% क्वेश्चन क्वेश्चन आप रहता, सॉल्व कर लोगे। ये एक और क्वेश्चन आप सही कवर कर रहे हो कि ये कितने ड्यूरेशन की करनी है, जनवरी से करें या फरवरी से, अक्टूबर से करें, कहाँ से करें। नहीं कहना कुछ बोलते हैं पूरा 1 साल का कर लेना, नहीं मेरे हिसाब से जो मैंने किया है हर बार किया है वो जनवरी से लेके जून तक, उससे ज्यादा फोकस पर होना चाहिए हमारा, अप्रैल मई जून इन 3 महीने को तो बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, लाइन टू लाइन हमें पता होना चाहिए उस मैगजीन की, कहाँ क्या है, क्या हुआ, क्या न्यूज है, क्यों ठीक हमारे है, क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ठीक है, सही बोल रहे हो आप। उसके बाद देखो एक और नए सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए और ये क्या स्कोरिंग है, क्या इस पे मतलब इसको इजी में लें कि ये तैयार मैथ के क्वेश्चन है कुछ, एक लास्ट के 10 दिन में कर लेंगे या फिर 15 दिन में कर लेंगे। हैबिट तो यही होती है जनरली कैंडिडेट की, हैबिट यही होती है, लास्ट के 15 दिन में कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। मेजरली फोकस करते हैं हम किस पे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, लास्ट में होगा नहीं। अल्टीमेटली आप देखोगे मैथ पे फोकस करोगे तो एटलीस्ट सोल्व तो हो जाएगा, वो वहां पे आपको रिवॉर्ड तो देगा, तो क्या इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। मैथ्स का ऐसा है कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज वर्ड, अर्थमेटिक जिसको हम बोलते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, अर्थमेटिक। उनको उन टॉपिक्स को तैयार, उसमें हमें एनालाइज कर लेना है, ये चक्कर से हमारे इनसे क्वेश्चन हर साल आ रहा है, तो उनको बस प्रिपेयर कर लेना है, अभी 1 घंटा निकालना है डेली दिन में, बस सिर्फ थोड़ा थोड़ा उनका प्रैक्टिस करते चलेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, अगर आखिर को महीने के लिए बैठेंगे तो ऑलरेडी करंट अफेयर का प्रेशर है, पेपर टू का रिविजन करना है, पेपर वन का रिविजन करना है, तो वो चीजें फिर वहां पे सब गड़बड़ जाती है, तो इसलिए अभी इसी अभी जो चल रहे हैं तैयारी ना, उसी में करते चले धीरे धीरे, एक घंटा निकाल दिया। सोर्स क्या रखें इसका। हाँ, तो इसका सोर्स तो अब मैं कुछ भी रख सकते हैं, मतलब जो भी बुक्स कैंडिडेट्स को अच्छा लगे, फॉर एग्जाम्पल मेरा तो राकेश यादव का बुक था, तो वहाँ से ठीक है, अर्थमेटिक मैंने उन्हीं से ही प्रिपेयर कर लिया था ठीक है, ना। अगर इसके अलावा आप रीजनिंग, हाँ रीजनिंग का तो ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, उसके लिए कुछ पढ़ाने में नॉर्मली हो ही जाता है वो वाला, तो रीजनिंग का रीजनिंग का कोई स्पेशल नहीं है, बट अगर आप करना हाँ चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कर एक सकते हो सोर्स कोई है, स्पेसिफिक। एक हाँ सोर्स है जैसे फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक ऑब्जेक्टिव करके, राजेश वर्मा के नाम से आती है एक अरिहंत अरिहंत की की बुक, बुक है, आई थिंक वो भी अरिहंत की अच्छी है। बुक है, हाँ तो मैं वो भी कवर नहीं, तो कर। मैंने रेफर नहीं की, तो अच्छी है, उसको भी कर सकते हैं, जनरली क्वेश्चन ऐसे आते, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अर्थमेटिक में हो जाते हैं, ज्यादा स्पेशल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते होंगे, लेकिन मार्क्स ऐसे होते हैं वो आप ले सकते हैं श्योर शॉट शॉर्ट शॉर्ट अर्थमेटिक ले में, सकते हैं, ये रिवॉर्ड देगा इस पे एप्टीट्यूड में, फोकस करो। कई बार क्या एग्जैक्टली होता है मैथ किसी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हाँ रिमेम्बर कर सकता है, याद कर सकता है, लेकिन मैथ बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग होती है दिमाग के अंदर कि मैथ हमें सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड और बहुत सारी चीजों का उसमें लगाना पड़ता है, तो कई बार हमारा जो दिमाग है ना वो एनर्जी सेविंग मोड पे ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो मैथ का नाम हाँ सुनते हैं ना घबराता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब जहां पे ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत होती है तो थोड़ा सा पैसिव हो जाता है। तो ये जो है, ये आपको खेल जो करना है इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग का, शुरुआत से अभी से कोशिश करना शुरू कर दो। मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ राजेश वर्मा प्लस राकेश यादव जो आप बुक बोल रहे हो, राकेश यादव सीजीएल के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजेश वर्मा में जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें यूपीएससी के अंदर इधर जो एनडीए के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं अर्थमेटिक के, सीडीएस के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं, सिविल सर्विस के अंदर जो आते हैं, सीएपीएफ के अंदर जो आते हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन, प्रीवियसर क्वेश्चन मिलेंगे प्लस ट्रिक्स मिलेंगी, वो आप इसके लिए फोकस कर सकते हो, इधर दोनों ऑप्शन, जिसके बाद जो बुक है फॉलो कीजिए, किसी के लिए कुछ काम कर रहा है किसी के लिए कुछ काम कर रहा है, एनी बुक यू कैन फॉलो। ओके, कुछ और ऐड एनी करो बुक इसमें। एनी बुक, इसमें सर इसमें बताना, जो मैथ्स का जो आप बता रहे थे बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, वो उन उन कैंडिडेट्स पर मैं भी देखूँ, यानी कि जो मैथ्स को ज्यादा सॉल्व करना प्रिफर नहीं करता है ठीक है, ना, तो मैं 22 का मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँ, 22 में मैंने मैथ्स अर्थमेटिक ही प्रिपेयर किया था, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर किया था, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस था वो जीएस था, कहीं ना कहीं अपने को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी होती है, आप कहाँ पे स्कोर कर सकते हो, है ना, तो उस टाइम पे मैंने अपना स्ट्रेंथ पहचाना कि मैं जीएस में ज्यादा स्कोर करूंगा, और मैथ्स में इतना मतलब कि टाइम नहीं निकल पाया, तो थोड़ा थोड़ा मैंने उसमें प्रिपेयर किया, टाइम जरूर किया उसका, थोड़ा 45 मिनट आधा घंटा डेली उसको दिया, तो ऐसे ऐसे थोड़ा अपना कर सकते हैं, अपना स्ट्रेंथ पे खेलो सबसे बड़ी चीज इस एग्जाम में, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 15 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, 15 में से मैथ्स के प्लस रीजनिंग के दोनों के थे, मैथ आई थिंक रीजनिंग के हटा दिए थे पिछले साल, जहां तक मुझे याद है, तो 22 में 15 क्वेश्चन थे, 15 में से 10 क्वेश्चन तो इजीली हो ही जाते हैं नॉर्मली, ज्यादा कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, दो चार क्वेश्चन है उनको कंपनसेट करो जीएस से, अगर आप जीएस में आपका
स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। तो मैं कैसे करता था, अगर जैसे कि मेरे को एडवांस मैथ नहीं आता था तो उसमें कंपनसेट करता था जीएस के साथ या साइंस से, है ठीक ना। है तो ऐसा वो अपना स्ट्रेटेजी करना पड़ता है, किसी एरिया में मैं कोई चीज मेरा वीक है तो कंपनसेट करूंगा, कहाँ से करूंगा उसको। तो वो चीज में आपको देखनी पड़ेगी इंडिविजुअली। ठीक है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। एक या दो क्वेश्चन आता है इससे, क्या इस पे फोकस करें? करें तो कितना करें? हाँ, इसमें फोकस क्लास केमिस्ट्री है हमारे, क्लास 12 की आई थिंक, ठीक उसके है। 4 चैप्टर्स हैं, प्लस बायोलॉजी के कुछ 2-3 चैप्टर्स हैं वो। इसके अलावा शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की बुक है, वो भी मैंने, उसमें सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं उनको फॉलो किया था, 5-7 चैप्टर हैं सिलेक्टिव, ज़्यादा नहीं है, एक दिन में हो जाते हैं। हाँ, तो ठीक उनको है, हम फॉलो कर सकते हैं सिलेक्टिव। इनको हम फॉलो कर सकते हैं। शंकर आईएएस सिलेक्टिव, सबके अंदर ही सिलेक्टिव है वैसे तो। केमिस्ट्री हाँ क्लास 12 सिलेक्टिव, बायोलॉजी क्लास 12 सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का अगर आपको जानना है तो सेपरेट क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। बाद, क्लास के बाद आई विल टेल कि कौन कौन से चैप्टर हैं वो, जैसे चैप्टर नंबर भी लिख दूंगा, चैप्टर का नाम भी लिख हाँ जी, देंगे, अभी ठीक है, वो भी आपके लिए हो जाएगा। बट एटलीस्ट आपको ये बता रहे हैं कि इसके लिए आपको ये सोर्स फॉलो करना है, लास्ट के कुछ एक हाँ, चैप्टर्स हैं वहां से काम चल जाएगा, है ना। क्योंकि शंकर के सिविल वालों के लिए बहुत बड़ी है, 400 पेजेस की आई थिंक, तो पूरा तो नहीं पढ़ना है हमको, उसमें से मुश्किल से हमारे काम 5 से 7 चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है ना। है, तो वो ज्यादा नहीं, 4-5 घंटे का काम है, हो जाता है। ठीक है, 4-5 घंटे का काम है शंकर आईएएस के कुछ एक सिलेक्टिव चैप्टर, 4-5 घंटे का बायोलॉजी का, 4-5 घंटे का केमिस्ट्री का, ठीक है। तो कुल मिला के 3 दिन का काम है ये, ठीक 1 से 1.5 दिन का है, अगर आप 2 दिन करोगे डेली तो, है है। ना। एक से तो जो पहली बार पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आगे चल हो जाता है जल्दी। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर माइक्रो मैक्रो, सबको पता माइक्रो मैक्रो। कई बार माइक्रो ज्यादा पूछ लेता है, कई बार मैक्रो ज्यादा पूछ लेता है। माइक्रो करके जाए तो मैक्रो ज्यादा आ जाएगा। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें ये रहती है सोर्स की। एनसीईआरटी बोरिंग लगती है, बहुत ज्यादा उसमें दिया हुआ है, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। बहुत सारे टॉपर बस ये बोल के चले जाते हैं एनसीईआरटी फॉलो कर लो, पढ़ने बैठे तो उसमें पता नहीं क्या एग्जाम्पल है, वो काम करता नहीं है दिमाग। तो इसके लिए क्या सोर्स रखें, माइक्रो मैक्रो दोनों फोकस करें, या फिर किस पे कैसे स्विच कर सकते हैं? तो ऐसा है, इसमें सब माइक्रो वाला जो आज तक मुझे समझ नहीं आया, तो पर्सनली ईमानदारी ठीक है। से हो रहा हूँ, तो बड़ा ही मैंने कोशिश भी किया था, बुक लिया, पढ़ा मैंने, एक दो दिन उसमें इन्वेस्ट भी किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, आउटपुट नहीं निकल रहा था उसमें, अपने जितना एनर्जी डाला था, तो मैं छोड़ ही दिया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा एग्जाम पे, ठीक उसके है, बजाय मैं मैक्रो फोकस कर लेता हूँ अपना। तो और मैक्रो के लिए जो मैंने बुक रेफर की थी, नितिन सिंघानिया की इंडियन इकोनॉमी की बुक है, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, तो वो फोकस की थी, नितिन रेफर की थी सिंघानिया की मैंने। इकोनॉमी की बुक भी आती है। हाँ, इंडियन इकोनॉमी की उन्होंने लॉन्च की है, अभी सेकंड थर्ड एडिशन आया आई थिंक, तो बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल यूजुअल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो कोई प्रश्न नहीं मरा, वो पढ़ेगा ना बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसको, ठीक है, तो बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से उन्होंने समझाया है उसमें सारे कंसेप्ट को। एनसीईआरटी का मुझे लगता है कि मैक्रो जो है उसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं कंफ्यूज हो जाता है उसमें आदमी, पता नहीं। हाँ, एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, पर्सनली है प्रेजेंटेशन नहीं है सबसे बड़ा इशू उसमें, यही है। प्रेजेंटेशन का इशू है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड एंड साइड है, ठीक है, लैंग्वेज का भी इशू है, प्लस कुछ एक टिपिकल एग्जाम्पल ऐसे हैं, मुश्किल कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल उन्होंने वहां पे यूज किए हैं जो कि जरूरत नहीं है। यूपीएससी पूछता है, हाँ वर्बेटम भी वहां से एनसीईआरटी से पूछा है, मैं बता दूं आपको, वर्बेटम पूछे हैं क्वेश्चन, ऐसे जी, हाँ भी जी, ऐसे पूछा है। पूछे हैं, बट वो कंसेप्ट आप कहीं और से भी पढ़ लोगे तो आप उसको कर दोगे। हाँ, तो उसमें इसमें इकोनॉमी में एक चीज और करूंगा, जो मैक्रो और माइक्रो जो लास्ट में ग्रोसरी दी होती है, आई थिंक 1 या 2 पेज की होती है हर एक ठीक बुक है। में, तो वो जो ग्रोसरी में जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि तो उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, आए तो जो हुए हैं, की ग्रोथ हाँ आए यस। हुए हैं, इसलिए उनको तो अच्छे से तैयार करके जाना, अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, दोनों पर हमारे तैयार हो जाते हैं, तो उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो माइक्रो आपका ऑप्शनल है, और माइक्रो के लिए मैंने एक बुक ऑलरेडी उसकी पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है, बस उस पे लेक्चर हाँ, लेने एक दी थी मैंने, जिसमें आपने बहुत शेयर अच्छा। की थी, मैंने भी उसको रेफर की थी, 22 में भी उसको पढ़ा था मैंने, फॉर्चुनेटली क्वेश्चन नहीं आया, सेम अच्छा है, ठीक है, अगर आते कहीं ना कहीं गलती होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं माइक्रो में। बहुत इजी था उसमें, अगर हम समझे ना तो माइक्रो बहुत हाँ, अच्छा दिया होता उसमें, ठीक है, बहुत वो रेफर सिलेक्टिव, की थी मैंने। हाँ और फॉरेन ऑथर की है किसी की, तो 100 पेजेस के अंदर सब कुछ क्लियर किया हुआ उसमें। 100 पेजेस आप देखोगे, जी, 100 पेजेस इतने बड़े नहीं है, उसके फॉन्ट साइज बड़ा है इसलिए वो 100 लगते हैं, फॉन्ट वैसे साइज थर्टी बड़ा वैसे है, वो मुश्किल थर्टी से फोर्टी थर्टी पेजेस पेजेस का। होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, ओके, सारे सब्जेक्ट हमारे क्लियर हो गए हैं पेपर वन के। अब मुझे ये बताओ, पेपर टू पे स्विच होने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से ले लेते हैं। कोई क्वेश्चन है अभी तक आपका, ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा?
सर। यस यस हैंड रेज कीजिए सबसे पहले, कौन पूछ रहा है? ओके नवनीत प्लीज गो अहेड, अभी और किसी को पूछना हो आप हैंड रेज कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन ले लूँ। यस नवनीत सर कह रहे थे कि अभी रिसेंट तो सिलेबस मोस्ट ऑफ द कंप्लीट हो चुका है, तो रिवीजन कैसे किया जाए इस टाइम, मतलब सब सब सब्जेक्ट को साथ में लेके। अभी देखो सिलेबस आपका पेपर वन कंप्लीट हुआ है, टू बी कंप्लीट हो गया, है सर। सर दोनों कंप्लीट हो चुके। ठीक मिडिल बची है, मिडिल हिस्ट्री बची है बस। है मेडाइवल बची है, कोई बात नहीं। हाँ अब जसमंत आप इसको गाइड करो कि अब जैसे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो रिवीजन का क्या रहना चाहिए, एटलीस्ट कितनी नंबर ऑफ रिवीजन होनी चाहिए, एटलीस्ट का तो अंत नहीं है कुछ, ठीक है तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम कितनी होनी चाहिए तो हमारा काम चल जाए, और को किस हिसाब से हम अप्रोच करेंगे, रिवीजन ऐसी होनी चाहिए कम से कम। तो इसमें मैं दो तीन क्वेश्चन पहले नवनीत से पूछना चाहूंगा। तो हेलो यस नवनीत, सर, यस सर। इसमें आप मुझे बताइए आपने PYQ सॉल्व किया अभी तक? सर मैंने पूर्वावलोकन सर मैंने लगाया पूरा, जो PCS के जो पेपर्स होते हैं और जो UPSC वाले पेपर्स होते हैं सर मैंने, जी। और सर जो क्या कहते हैं ओनली IAS जो स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब पे चैनल है सर, वहाँ पे वो सिविल सर्विसेज के 2010 से 2022 तक PIQ, मतलब PIQ करवाया पूरे इकोनॉमिक्स के ज्योग्राफी के, वो मैंने सब कुछ कर डाला सर। तो तो बाकी दो दो अभी टाइम्स आप एक दो, ये सर जी बोलिए। अभी तो सर एक दो बार रिवीजन हो चुका है मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट का, पर वही है कि मतलब सब सामने एक पढ़ना तो लग रहा है दोबारा, पिछला लग रहा है भूल जा रहा है पुराना वाला, इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। हाँ तो चीज लगेगा, तो उसीलिए यही है ना, जैसे कि मेरा जो अपना पर्सनल जो स्ट्रेटेजी है वो बता पाऊँ कि हर एक बंदे का काम करने का तरीका अलग होता है। तो जो मैं क्या करता था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं फिर वही हूँ कहानी 12 से, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा फिर मैंने उसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरा ज्यादा फोकस रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व मुझे पता चल जाता है कि इस सब्जेक्ट में मेरा होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझे? तो यस सर, उसको यस उसमें सर। हाँ, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व किया तुमने PY के, तो उसमें पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, कहाँ से बन सकते हैं आगे फ्यूचर में, है ना? तो उन यस टॉपिक्स सर, को राइज करना है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? जहाँ से क्वेश्चन आए हैं प्लस जहाँ से बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है जहाँ से क्वेश्चन बनने की, उनको रिवाइज करना है अच्छे से। और उसके अलावा जो है PYQ उसको भी रिविजन करते रहना है, साथ में जो टेस्ट सीरीज वगैरह है जो मैं बताई थी विजन वगैरह की, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनको भी करते रहना है सॉल्व। तो वहां से आपके ये रिविजन होता रहेगा और साथ में कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा आपको। यस सर, थैंक तो रिवीजन का आपने यू ये सर। बताया कि जसमंत जितना हो सके प्लस PYQ क्वेश्चंस हो सके और कोई भी टेस्ट सीरीज आप फॉलो करें, तो रिवीजन का सोर्स है कि नंबर ऑफ जो हम टेस्ट सीरीज करें जो रीडिंग तो भी। करनी है हमें बुक्स की, एनसीईआरटी मस्ट, उनकी रीडिंग तो करनी पड़ेगी बार बार, उसका तो कोई चॉइस ही नहीं। जितना रीडिंग करोगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा आपका बाद में, सिंपल। रीडिंग करके क्या होता है, बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आप क्वेश्चन पे स्विच हाँ कर क्वेश्चन सकते हैं कुछ टाइम के लिए, है ना। एग्जैक्टली, तो वहां से एक इंटरेस्ट जगेगा जब क्वेश्चन गलत होगा तुम्हारा, तो तुम्हारा खुद ऑटोमेटिक माइंड जाएगा कि अभी पढ़ना है दोबारा से टॉपिक में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है, तो ये फायदा रहेगा इसमें। दिमाग को कैसे देखोगे, इस हिसाब से ट्रेन करना दिमाग को, ये क्वेश्चन किया गलत हो गया अब दोबारा से पढ़ना है, ठीक है, तो वो एक लगन आएगी अंदर से, ओके लगन आएगी ना तो आप काम कर लोगे। सर। तो मोनोटोनस चलते रहता ना, तो हम भी थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं। मोनोटोनस नहीं रहेंगे, दोनों चीजें करते रहेंगे, थोड़ा उसमें एडवेंचर बना रहेगा, क्वेश्चन गलत होते रहेंगे तो थोड़ा सा हमें भी अपनी रियलिटी पता चलती रहेगी, तो वो चीज ठीक रिविजन फिर वहां पे फोकस कर पाएंगे अच्छे से अपन। है, ओके, कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? यस दिलीप गो एड। क्वेश्चन पहला हिस्ट्री के लिए क्वेश्चन। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी करने की जरूरत है जो क्लास 11th की है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इनका दिलीप का कि साइंस के लिए सिर्फ अगर मैंने 9th और 10th की कुछ की और क्वेश्चन आ गया, कुछ एक क्वेश्चन आ गए हमारे 11th 12th से जो कि लास्ट वाले चैप्टर से आते हैं, तो इनका कहने का मतलब है अगर 9th 10th ही फॉलो की तो उसमें लॉस है, रादर देन फॉलोइंग 9th 10th क्या मैं जनरल जो साइंस है लूसेंट की वो वाली बुक फॉलो कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। बिल्कुल वही मेरा भी सेम सोच है। 9th एंड 10th प्लस
लूसेंट की जनरल साइंस, आप इनको फॉलो करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जरूरत नहीं फिर ज्यादा 12th में, क्योंकि 12th की वैसे भी नहीं बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है उसमें, काम का अपने लिए बहुत कम है, तो इसलिए ठीक है अपना कहाँ से इनपुट आउटपुट अच्छा निकलता है वो जरूरी है, तो उसमें जनरल साइंस के फॉलो कर लो आप, ज्यादा नहीं है, हर एक जो बायोलॉजी के फिजिक्स केमिस्ट्री के 70 से 80 पेजेस में उन्होंने कवर कर रखे हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है ना। हाँ 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी बुक अगर पढ़ोगे तुम। ठीक है। तो लूसेंट जर्नल साइज आप फॉलो कर सकते हो, हाँ प्लस सब्स्टिट्यूट बिल्कुल करने पड़ेगी एनसीआरटी क्लास 9th और 10th, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 9th और 10th आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना बिना काम चलेगा नहीं, ठीक है। उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल आप सपोर्ट कर सकते हो लूसेंट जर्नल साइंस, बहुत ज्यादा साइंस जा सकते हो। ओके ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के वाला भी आप बताइए। आर्ट एंड कल्चर के लिए सर, अभी मैं आज भी कोई कुछ फॉलो आउट कर रहा हूँ आर्ट एंड, वो क्या होता है एक दो क्वेश्चन के लिए तो रिस्क लेना पड़ता है ना, उसके लिए मैं ये नहीं है कि पूरी बुक खोल के बैठ जाऊंगा, वो 11th वाली एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर की बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है मुझे तो पर्सनल, तो वो तो मैंने किसी को अटेंड पर रेफर नहीं किया, तो उसके लिए तो मैं रिस्क लेता हूँ, अगर आता है तो बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ सिंपल, क्योंकि ठीक है, तो एक दो जसमंत की क्वेश्चन आएगा कॉल है वो इस तो पे। रिस्क ठीक लेके ही रहेगा। है, जसमंत कह रहे हैं कि रिस्क लो इसमें। जैसे मैं एक ऐड एक आपको बता सकता हूँ, सजेशन, जो लूसेंट की जनरल नॉलेज की एक बुक आती है, उसमें आर्ट एंड कल्चर के कुछ 2 या 4 5 पेज के अंदर पूरा कवर किया हुआ है। उसमें जो ट्रेडिशनल डांस है, फॉर्म्स हैं, वो बताया हुआ है, कौन से स्टेट में क्या है, ठीक है, कौन कौन से आप देखोगे, आ, आ, कौन उनके किसी किसने वो पैटर्नाइज किया है उस आर्ट फॉर्म को, वो भी लिखा गया है। वो आप वहां से फोकस कर सकते हो, फैक्चुअल रहेगा। मेरे लिए वो 4 या 5 इम्पोर्टेंट जो पेजेस हैं वो कर लो। प्लस आर्ट एंड कल्चर में एक चीज आप ये कर सकते हो, यू कैन फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिविल सर्विस के हाँ अंदर जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं करो। कुछ एक क्वेश्चन आपके कहाँ से कर सकते, जैसे आपने खुद ब खुद बताया कि आप जो आपके पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आप देख सकते हो, रिपीट होते हैं भाई, वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो वाला उसमें वही है क्वेश्चन ना, मैं हाँ जैसे सर बोल रहे थे पीसीएस के क्वेश्चन सोल्व करो, सिविल सर्विसेज करो, सीडीएस सीपीएफ को करो, तो एक बेसिक तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप, जब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाता है डेवलप, तो वो चीज जब क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ, तो वो चीज हेल्प हो जाती है, मतलब अपना थोड़ा नॉलेज को अप्लाई करके तो उन क्वेश्चन को आप कर लोगे टेकल, यही होता है, यही मैंने भी किया था, इस पर 22 में भी अटेम्प्ट आया था, वहां पे सारा जो नॉलेज था उसको अप्लाई करके एलिमिनेट करके वो सॉल्व हो जाते हैं चीजें। और एक और चीज मैं कहूंगा, जैसे आपने इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमी के लिए घटना चक्कर इकोनॉमी इंग्लिश में आ चुकी है, फॉलो कर सकते हो। पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन इकोनॉमी के आए हैं मैं आपको बता दूं, यहाँ से आप कर सकते हो। मुझे लगता है बहुत अच्छा सोर्स रहेगा, अपार्ट फ्रॉम रीडिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी रीड करने के बाद कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपको नहीं पता लग रहा मैं कहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, घटना चक्कर कर लो, ठीक है। घटना बिल्कुल चक्कर, ठीक है, किसी के पास पीडीएफ नहीं है या फिर कुछ इसका ऑनलाइन सोर्स नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, आई'ल टॉक विद यू, ठीक है। तो घटना चक्कर ये बुक आप ले लो, फिजिकली बुक अगर आप परचेज करोगे उस पर अंडरलाइन कर सकते हो तो बेटर है, वो सबसे बेटर है। तो इकोनॉमी के लिए आई विल सजेस्ट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम चाहिए तो इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इसका पहले इंग्लिश मीडियम में नहीं था, पहले हिंदी मीडियम के अंदर ही थी सिर्फ इकोनॉमी वाली, बाकी सब इंग्लिश के अंदर आ चुकी थी, अब ये इंग्लिश के अंदर भी आ चुकी है इकोनॉमी वाली, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंकित आपका क्वेश्चन क्या है? हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ सर, यही क्वेश्चन था इकोनॉमी के लिए, मतलब एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करे। वो तो अभी मैंने जैसे आप मैंने काफी काफी टॉपिक पढ़ लिए थे, तो अभी उसका एमसीक्यू का समझ में नहीं आ रहा, काफी क्वेश्चन भी मतलब उसकी लैंग्वेज ही अलग हो रही है मतलब। ठीक हाँ है तो एमसीक्यू के लिए मैं बता दूँ आपको, जैसे कि मैंने विजन वगैरह की बनाई थी, इनके सेक्शनल बेस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो मैं उनको रेफर कर रहा था, जब पढ़ लिया मैंने एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक पढ़ ली, तो जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं विजन के, इनसाइट, आईएएस के, फॉरम वगैरह के, जो पीटी के प्रिलिमिनरी टेस्ट सीरीज इनकी जो होती है वो तो अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम वगैरह, तो उनको मैं डाउनलोड करके उनको सॉल्व करता था, तो वो हेल्प करते हैं मेरे को जो कॉन्सेप्ट को समझने में, जो पढ़ा है उसको क्या मेरे को समझ में आया है कि नहीं, वही सेम चीज है ना, तो ये करें। प्लस आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, सिविल सर्विसेज के, सीडीएस के, सीएपीएफ के, ये भी हेल्प करेंगे आप। ठीक पीवाई है क्यू सर ऐसा रहता है ना, जैसे उसमें जैसे सीडीएस के सॉल्व करते तो उसमें 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे रहते जो मतलब करेंट से रिलेटेड रहते, और वो फिर हाँ समझ में भी नहीं आते मतलब करेंट के कहाँ से आते, मतलब क्या रहता है हाँ उनका तो करंट प्रोजेक्ट। करंट के जैसे कि हमारे में भी आए थे, 22 में भी आए थे, अगर आप देखोगे तो
है ना, तो इसमें भी करंट से रिलेटेड इकोनॉमी क्वेश्चंस थे, तो उनके लिए तो करंट में मैगजीन पढ़ ही रहे होगे आई थिंक, या न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होगे, तो वहां से वो यस सर, करंट की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि बैड लोन आई थिंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के ऊपर पूछा था कि इसका बैड बैड फंक्शन क्या है। हाँ, तो वो चीज अगर आप करंट को फॉलो कर रहे हो तो वहां से कवर हो जाएगा, न्यूज में काफी न्यूज में भी रहा था, वो गवर्नमेंट ने कमेटी वगैरह उसके लिए फॉर्म की थी, तो वो चीज न्यूज से कवर हो गई थी करंट में, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना करंट वाला, क्योंकि अगर करंट फॉलो करोगे डेली तो वहां से कवर हो जाएगी करंट से वो चीज, है ना। और उसके अलावा जो ठीक मैं है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना विजन वगैरह के, तो तुम्हारा जो पढ़ा हुआ है वो चीज भी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने से। ओके बिल्कुल सर, थैंक यू। तो एक बात, जैसे आज तो हम सेशन इतना ही करेंगे पेपर 1 का, पेपर 2 के लिए हम क्लास कल रखेंगे, ठीक है, कल या परसों जो भी होगा हम डिफाइन कर लेंगे उसको। अब मुझे ये बताओ जसवंत, हाँ कुछ जी, एक चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जो डिस्कस कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसी स्टेज के अंदर हैं कि एक एग्ज़ाम के लिए हम बहुत सारा अपना जो यूथफुल जो हमारे स्टेज है ना, वो हम सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए डिवोट कर रहे हैं। ऐसी स्टेज में जो हम जिस पे हम और कुछ करियर भी बना सकते थे, इस करियर को फॉलो करने के लिए बहुत सारी अनसर्टेनिटी है इसमें। अगर हम देखें सिलेक्शन रेट कम है, वैकेंसीज कम है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, व्हाट इज द एग्जैक्टली रियलिटी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी इज इंडस्ट्री, आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे है भाई, ये कर लो, ये ले लो, हो जाएगा, नहीं होगा, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं जनरली मतलब बड़े भाई की तरह आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हमें मतलब दिस एग्जाम वर्थ है हमारे मतलब 3 या 4 साल, हमारे जो जो हमारी यूथफुल स्टेज होती है उसको लेने के लिए एक बंद कमरे में अपने आप को खुद टॉर्चर करना, सेल्फ इम्प्लीकेटिंग टॉर्चर, एक एक लाइब्रेरी में फ्रेंड सर्कल खत्म, पैसा नहीं है, इमोशनली टॉर्चर, ठीक है, फाइनेंशियली टॉर्चर, हर एक चीजों से हम टॉर्चर हो रहे हैं। तो क्या इस एग्जाम के लिए कितना एटलीस्ट हमें देखो टाइम देना चाहिए? अल्टीमेटली तो ठीक है, मोटिवेशन, ड्रीम, जॉब, ये सभी चीजें ठीक हैं, ठीक है, नो डाउट, जो आप फ्यूचर जो आपने डिसाइड किया है, क्योंकि अल्टीमेटली जब यहाँ पे पहुंच भी जाते हैं ना, फिर सोचते हैं यार इतना तो नहीं था, क्यों इतना टाइम इसके अंदर लगाया। तो मुझे बताइए क्या एक कट ऑफ क्या होनी चाहिए कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल मिनिमम कितने, अनलेस अनटिल हमें किसी दूसरी चीज के लिए चले जाना चाहिए, कोई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब कर लेनी चाहिए। तो इसमें बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड करता हूँ कितने रिस्क टेकिंग ले सकता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरा तो एक मान के चलिए आप अल्टीमेट कि मेरे को जाना है CAPF में, बस मेरा तो एक सिंपल सा मकसद है कि जाना है कैसे भी करें समाव, तो ठीक है। उसके लिए हाँ कितना भी अटेम्प्ट देना पड़े डजंट मैटर फॉर मी, वेरी सिंपल। हाँ, तो ये तो मेरा हो गया, लेकिन अगर अदर साइड के देखे जाए तो उसमें ये है कि 2 से 3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं, 3 इज मोर देन इनफ। वो अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट अगर आपने पहला सही नहीं जाता तो सेकंड में क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। और तीसरा अगर सेकंड में भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो तीसरा इज फाइनल, 3 अटेम्प्ट सबसे ज्यादा एकदम एक्सीडिंग लिमिट हो गई वो हमारी तीन, तो हाँ तो 3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं। ठीक है। तो देखो जैसे जसवंत ने बताया कि क्लैरिटी है उनको, मुझको जाना तो यहीं जाना है, ठीक है, बिल्कुल दूसरी चीजों के लिए वो ट्राई भी नहीं कर रहे, ये क्लैरिटी अगर हाँ जी आपके माइंड में है तो आप इस एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर क्लैरिटी नहीं है, अगर ये सोचते हो यार ठीक है मेरा फ्रेंड भी कर रहा है इसके लिए प्रिपेयर, तो आई शुड ऑल्सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, उसने भी साल ड्रॉप ले लिया, उस साल भी कुछ और नहीं किया तो अभी वो प्रिपेयर कर रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। अंदर से इनर कॉलिंग आ रही है, टेक द कॉल, ठीक है, जुट आप जाओ लगे भाई। रहोगे 2 3 साल लगे रहोगे तो भी आप थकावट महसूस नहीं करोगे, सर बड़ी हाँ आप एंजॉय करोगे प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूँ, आनंद आने लगा मेहनत करने में भी, है ना, तो वो ठीक बर्डन नहीं लगता मुझे वो चीज, है, वो बर्डन नहीं वो लगता चीज अगर दिमाग में एंजॉय क्लैरिटी करता है। हूँ उसको भी मैं। ठीक है, अगर क्लैरिटी है, क्लैरिटी के साथ इस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हो जाएगा। ये सर्विस है, जॉब तो नहीं बोलूंगा, इट्स अ सर्विस, ठीक है, इसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका काम चल जाएगा। आप थका हुआ, ये फटीग नहीं आएगी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, अनसर्टेनिटी तो है बट ये नहीं होगा कि यू विल अनसर्टेनिटी नॉट लूज द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एटलीस्ट लूज नहीं होगा, अनसर्टेनिटी तो रहेगी, एंग्जाइटी ये सारी चीजें रहेगी, लेकिन उसके लिए काम करने का जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो खत्म नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है, सेल्फ ड्रिवन है तो अगर आप। ओके, तो और कुछ और चीज बताना चाहोगे आप? हाँ बोलिए, नंबर, बिल्कुल 1 सेकंड, जस्ट ए सेकंड जसवंत, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल नंबर हेलो का कोई सर, क्वेश्चन है? हाँ सर कह रहे हैं ग्रामर के लिए मतलब कहाँ से, नीतू मैम का तो बहुत ज्यादा दिया हुआ, कहाँ से कह रहे ग्रामर के लिए? ठीक है, ग्रामर का बताओ ग्रामर जसवंत। के लिए हाँ देख भाई मैं बताता हूँ ग्रामर का।
ग्रामर का ऐसा है जो सर से बात हुई थी मेरा एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, उसमें क्या फ्रेजल वर्ब आते हैं 10 नंबर के, ठीक है, तो जो नीतू मैम का अपना नाम ले दिया, तो उसमें उनके फ्रेजल वर्ब दिए हुए हैं आई थिंक 200 से 300 फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक यस सर, है। यस सर। हाँ, तो उनको मैं एनालाइज किया था कि क्या हमारे एग्जाम में इनमें से काम चल पा रहा है कि नहीं, तो जब मैंने देखा ना कि 2-3 साल का, तो उसमें सारे के सारे बच्चे आ रहे थे, तो मैंने सोचा यार कुछ ना आने से अच्छा इन्हीं को पढ़ लो, अगर इन 300 में से मेरे 2-3 भी आ गए तो 5-6 नंबर तैयार हो गए, है ना। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, 22 में सारे के सारे फिर वहीं से आ गए, तो 10 नंबर मेरे एकदम ये मान के चलो फोकट के वहां से बन गए, उन 300 को तैयार करके, सिर्फ 2-3 दिन का मेहनत लगेगा उनको तैयार कर लोगे आप 300 वर्ड्स को, है ना, और यस 10 नंबर सर। आपके तैयार हो गए 25 में से, तो पर बचे 15, 15 में आपके एके पैसे आप तैयार कर लीजिए, और डायरेक्ट डायरेक्ट तैयार कर लीजिए, प्रिपोजिशन तैयार कर लीजिए, कंजक्शन के 2-3 वर्ड वर्डिंग्स है तो आप उनको तैयार, यहाँ से आपको 20 नंबर बन जा रहा है, बस 20 ही चाहिए यस आपको, है ना, तो ज्यादा नहीं है, बस ये जो टॉपिक्स हैं वो तैयार कर लो, 20 नंबर आपके रेडी हो जाएंगे, है ना। बाकी ओके रहे जो 5 नंबर है वो ग्रामर वाले जो एरर फाइंड करना होता है, अगर वो बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, बस मेरा तो यही माइंडसेट था तो उसमें, है ना, तो सर, कहाँ कम कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकलना वो चीज देखना है हमें, मैं थोड़ा स्मार्ट यस वर्क सर, करना है उसमें भी, सिलेक्टिव सिलेक्टिव करके उसमें भी, ठीक है। ओके सर। सर एक डाउट और था बिल्कुल सर, एक ऐसे लिखने में कितना टाइम मतलब एट मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकते हैं हम लोग? हाँ, तो इसमें भाई देखो अभी तो किस के ऊपर डिपेंड करता है कौन से फेस में चला, अभी बिगनर हो तो मेरे हिसाब से आधे घंटा ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, पहले सोचना समझना लिखना सीखो सबसे बड़ी चीज, तो ऐसे आगे कैसे मेरे को लिखना है, कैसे उसका शुरुआत करना है, कैसे बॉडी लिखना है, कैसे कंक्लूजन निकला है, तो उस चीज को सीखो, उसमें आधा घंटा ले रहे हो 35 मिनट ले रहे हो ठीक है चलेगा पहले तो, लेकिन धीरे धीरे जब तो आप 1-2 महीना लिख लिए हो थोड़ा टाइम धीरे धीरे उसको कम करते जाओ, है ना। जनरली 19 मिनट 18-19 मिनट में हो जाना चाहिए आपका ऐसे, जब आप अच्छे से जब टेस्ट सीरीज लिख रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि ओके एक सर, दो मिनट ओके सर, आपको थैंक यू सर। उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, उसको एक बनाओगे माइंड में उसका स्ट्रक्चर कैसे करना है, 1-2 मिनट तो उसमें चला गया, बचा 18 मिनट, उस 18 मिनट में आपको पूरा इम्प्लीमेंट करना है जो आपने ब्रेन में स्टॉर्मिंग करके बनाया था एक माइंड मैप, ठीक है। हाँ ओके सर। और सर कंप्रिहेंशन के लिए प्रैक्टिस ओल्ड पेपर से कर लें? कॉम्प्रिहेंशन तो यार बहुत सिंपल है, 2-4 अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बस वहीं से आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा वो चीज, ज्यादा उसमें टेंशन लेने की जरूरत, रहा प्रेसी, प्रेसी की बात है, प्रेसी को थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस लो तो वो भी हो जाएगा, तो है ना, उसके लिए तो उनको सोर्स ज्यादा लोड क्या देने की, रखें? तो मैं तो ईमानदारी से बताऊं प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपल क्या है, जो उनकी इंस्ट्रक्शन होते हैं ना उनको फॉलो करोगे बस, सिंपल तो वहां पे क्या है वो बॉक्सेस बने होते हैं प्रेसी में, तो उनको क्रॉस नहीं करना है ना, वो सब चीजें अगर आप प्रॉपर फॉलो करके आओ तो 50% नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। सर एटलीस्ट कितने ऐसे लिखने एग्जाम के टाइम तक कि मतलब वहां फ्लो पूरा अच्छे से मेंटेन हो जाए, अपनी 100, 120, 150 कितना ऐसे तक नहीं 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 प्रैक्टिस ये किया पहले तो क्वेश्चन डाला था तुम्हारा कितने लिखने हैं, इसमें हाँ जाए? इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, कितने लिखे वो मैटर नहीं करता, कितने लिखे नंबर मैटर नहीं करता, कि जब लिखने के बाद कुछ लिख लिया 10-20 लिखा तो मैं चीजें क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अभी कोई टॉपिक आएगा मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, अगर डर में रहोगे तो पढ़ो तो 300 लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो यस सर, कॉन्फिडेंस आना यस सर। चाहिए, अंदर से कॉन्फिडेंस माइंड को भी आना चाहिए, उसको सोचना भी आना चाहिए कि ये आएगा तो यहाँ से ऐसे करके बनाने में लिख दूंगा, वो चीज है, अगर सर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो होने को 10 ऐसे 2 में काम हो जाएगा तुम्हारा, अगर 10 में तुम सोचना सिर्फ कैसे कह दो, है ना, तो इसमें कोई यस नंबर सर, नहीं, इन्फिनिट है यार ये तो, सबसे बड़ी ओके सर, कॉन्फिडेंस आएगा वो प्रैक्टिस लाएगा। हाँ यस सर। तो जैसे हम सर देखते हैं ना कई थैंक बार, यस अभी आप दो लोगों के क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने देखा कि कई बार सिविल सर्विस में जो लोग अटेम्प्ट करते हैं उन्होंने बोला कि एस्से के लिए मैंने सिर्फ 2 एस्से लिखे थे, सिर्फ 2 एस्से लिखे थे उन्होंने 1200 वर्ड के, बोला फिर तो मैंने हाँ एग्जाम में जाके लिखा और उनको 140 या 145 नंबर उनको आ रहे हैं, ठीक है, या तो उन्होंने पहले बिल्कुल कुछ ना कुछ राइटिंग प्रैक्टिस की होगी स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम में अच्छे रहे होंगे, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल इनका इतना अच्छा है किस हिसाब से बिल्कुल, हाँ अटेम्प्ट। वो बिल्कुल सर, वो चीज लिखने के बाद ही पता चल जाती है हमें, जब लिखेंगे ना कॉपी पर लिखना शुरू करेंगे तो उसी समय पता चल जाएगी कि हाँ ये मैं ठीक लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं, वो तुरंत आइडिया लग जाता है उस चीज का, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिक, कॉन्फिडेंस का ही तो गेम है पूरा, पेपर 1 पेपर 2 इंटरव्यू हर जगह लाइफ में कॉन्फिडेंस ही चाहिए, अगर खुद के ऊपर राइट बिलीव है तो सब चीजें आसान हो जाती है, अगर खुद पर बिलीव कर सकते हो तो, है ना, राइट, यही है। ओके, विल टेक क्वेश्चन फ्रॉम दिलीप। या दिलीप क्वेश्चन पूछ। सर पेपर 1 के लिए सर सेफ स्कोर कितना रखें?
बेसिस हो भाई, आजकल तो जो देखने वाला कॉम्पिटिशन बड़ा टफ हो गया है, तो मेरे हिसाब से तो आजकल कोई सेफ स्कोर नहीं है भाई यार, है ना। फिर भी कोशिश तो यही करना चाहिए, जैसा कि सब बोल रहे हैं 150 तो यार मारो यार कम से कम, अगर लड़ने का मादा रखते हो तो 150 तो लाना ही पड़ेगा, है ना। अगर अच्छे से लड़ने का भी मादा प्लस मेरिट में भी अगर अच्छे से उम्मीद कर सकते हो थोड़ा कम रिस्क लेके, तो 150 तो टच करनी पड़ेगा 150 इज द सेफ स्कोर, 150 टच कर रहे हो तो सब। आप सेफ में आ हाँ जाते हो। हाँ फिर आप बहुत अच्छे से उम्मीदें कर सकते हो कि मेरिट के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो उससे, है ना। उसका रीजन क्या है कि अभी हम जैसे जो है जो 2-3 दिन अटेम्प्ट हो गए, जिनके बार बार एग्जाम में बैठ रहे बैक टू बैक, तो कट ऑफ तो यार नॉर्मल है, फिर बढ़नी है, तो इस वजह से स्कोरिंग बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, क्योंकि एग्जाम हो नहीं रहा है टाइम पे, इंटरव्यूज एग्जाम के बाद हो रहे हैं, तो इस वजह से चीजें गड़बड़ा रही है सारी, है ना। ठीक है, तो उनको डिमोटिवेट नहीं होना है, जो 150+ 170 180 मार रहे हैं उनको देखना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है, भरोसा रखना है अपनी कैपेबिलिटी सबसे, है ना। ओके हाँ ओके। नवनीत आप क्वेश्चन पूछिए, या दिलीप आप क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कुछ? नो सर। ठीक है नवनीत, प्लीज योर क्वेश्चन है क्या कोई? सर कह रहे थे कि अभी तो लास्ट 2 ईयर के तो अभी आया नहीं सब कुछ, 2 ईयर का जो भी है, तो सर कैंडिडेट लोग तो बैठेंगे पेपर में, तो मान लीजिए फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका फिर से नाम आता है मतलब 2023 वाले में, और उनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है 21-22 में, तो उनको मतलब निकाल के बाहर फिर जो 2023 वाले कैंडिडेट उनको मौका मिलेगा कि मतलब फिर नहीं नहीं। उस मैं बताता हूँ उसमें ऐसा है, जैसे कि सपोज करो कोई 22 वाला बंदा है, ठीक है, 23 वाले भी एग्जाम लिखने जा रहा है, वो रिटर्न क्लियर कर लेता है वो, ठीक है, तो आगे चल के अभी 22 में सिलेक्ट हो जाता है वो, तो उसका क्या होगा कि वो फिजिकल हो सकता है उस टाइम पे फिजिकल मेडिकल भी वो दे ले, जैसे कि 21 वालों ने 22 का दे लिया है, ठीक है, तो लेकिन जब इंटरव्यू तक जहाँ तक है रिजल्ट हो जाता है पहले ही हो जाता है क्लियर, इंटरव्यू में उसको बैठने दिया जाएगा अगर वो 22 में सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसमें ये नहीं कि उसके बदले किसी और बंदे को पीछे से लेके आया जाएगा, नहीं, जो आपका रिजल्ट आ गया सो आ गया रिटर्न में, बस वहां से आगे पीछे कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो है कि सिलेक्टेड बंदा सर कोई इंटरव्यू नहीं देगा। फाइनल की बात करो, एकदम फाइनल लिस्ट की, रिटर्न की बात नहीं करो, फाइनल लिस्ट हो एकदम। हाँ तो फाइनल लिस्ट में 22 में अगर वो फाइनल सिलेक्ट हो जाता है तो 23 का इंटरव्यू नहीं अच्छा देगा, अगर वो 23 का रिटर्न ओके क्लियर कर ओके लेगा तो भी, ठीक है। ओके सर ओके ओके हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। ओके। किसी और का क्वेश्चन? तो मैं फाइनल क्वेश्चन पूछ लूँ एक? ठीक है, मैं फाइनल क्वेश्चन करता हूँ। रोल ऑफ कोचिंग, ये बताओ कितना परसेंट रोल है कोचिंग का सिलेक्शन में? कुछ लगता है कि कुछ 2-5% कुछ है रोल है क्या? अगर कहीं पे टिक जाएं चुपचाप, या तो एक ही जगह से फॉलो कर लें, ठीक है, या फिर मल्टीपल जगह जाके फॉलो करें, या फिर कुछ नोट्स का जो क्या हमें फॉलो करने चाहिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, क्या हमें लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा कुछ देते हैं कि ये कर लिया तो ये हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे, क्या ऐसा कुछ होता है रियलिटी में? नहीं, उसमें कोचिंग का जो मैं मान रहा हूँ ना, कोचिंग तो बनाई इसलिए गए, आप गाइडेंस देती है, गाइडेंस कि आप कुछ रास्ते पे चलना है, यहाँ से चलना है, ऐसे चलना है ना, बाकी का जो पूरा गेम है वो आपको खुद का है, खुद को आपकी पूरी बैटल लड़नी है आगे, 4 महीना तो आपको करना है पूरा, कोचिंग तो सिर्फ थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, और स्पेसिफिकली CABF की अगर मैं बात करूँ तो कोचिंग ज्वाइन करना मेरे हिसाब से तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट करोगे वहाँ जाके फालतू में, ठीक मैंने है। नहीं हाँ की, मैंने अपने टाइम पे, तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं ज्वाइन की थी। एग्जैक्टली पर हाँ, अब तो मुझे वो लगता अपना है टाइम वेस्ट करना हैड है। आई ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज, मतलब कुछ मैं अगर करता एटलीस्ट कोई पेपर टू की ऐसे कुछ, तो शायद कुछ स्कोर बेटर हो सकता था, जैसे आपका था, ठीक है ना, 2020 में आपने अटेम्प्ट किया तो पेपर टू में यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, एट द सेम टाइम उस टाइम पर नहीं होती थी मतलब ऐसे कोई कोचिंग और ना कोई गाइडेंस वाला, बिल्कुल ठीक है, कोई गाइडेंस भी नहीं थी, तो मैं तो कॉन्फिडेंस में था, मुझे क्या जरूरत है, कुछ नहीं है। बट कोचिंग नहीं भी होती ना, तो अगर मैं कुछ डिफाइंड ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में बैठ के 3 फुल लेंथ पेपर सोल्व कर लेता तो रिजल्ट कुछ और ही होता। बस ये है, कोई 3 या 4 फुल लेंथ पेपर आप सोल्व कर लो, किसी की कोई जरूरत नहीं है, टाइम बाउंड मैनर में कर लो, टाइम मैनेजमेंट सीख जाओगे, बात खत्म। ये मुझे लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी एग्री करूंगा सर 100%। इसमें यह है कि कोचिंग का रोल नहीं है, सिर्फ रोल किसका है, जो टेस्ट सीरीज आप लिखोगे उसका, वो आपको आपकी पर्सनालिटी जो आपका माइंडसेट वो बिल्ड करेगी, टेस्ट सीरीज जो लिखने में डाले निकले वाले आप घर पे बैठ के, वो आपको तय करेगी एग्जाम के लिए,
ना, तो उसमें कोचिंग को फालतू में बीच में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज तो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सर का प्लेटफॉर्म है और इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है, वो सब अवेलेबल करवा रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है। एक और चीज जो होता है कई बार कोचिंग में क्या होता है कि उसमें हर एक तरह के लोग आते हैं, कोई बिगनर फर्स्ट टाइम, कोई सेकंड टाइम, कोई थर्ड टाइम होता है, तो कई बार जो घोड़े होते हैं फिर वो, आई विल नॉट, मैं ऐसे कोई किसी को पटली बोल नहीं रहा हूँ, कई बार घोड़ों को फिर गधों के साथ दौड़ाते हो तो फिर उसकी जो पेस रहती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो हाँ या तो इस तरह से आप जाओगे, बहुत ही ज्यादा हाई ऑर्डर थिंकिंग करने वाले जो लोग हैं वहां पे आप फाइट कर रहे हो, इस तरह से आपने अपना ही फ्रेंड जोन इस हिसाब से बना लिया है, और अदरवाइज आप जहाँ पे कोचिंग में जा रहे हो वहां पे कुछ नहीं पता यार कौन कैसा, किस कैसे दिमाग का क्या माइंडसेट है, पढ़ने भी आया नहीं आया, वहां कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे कुछ टाइम आप वेस्ट देख। बहुत ज्यादा हो जा रहा है कोचिंग में, ये बात तो है, तो ट्रेवलिंग देख यही है। लो, ये कर लो, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर टाइम वेस्ट है। ठीक है, अगर वही तो टाइम आप उसको यूटिलाइज कर लो खुद सेल्फ स्टडी करने में, एग्जाम पैटर्न को समझने में, पी वगैरह सॉल्व करने में, तो बहुत अच्छा आउटपुट निकलेगा उसका, क्योंकि आगे चल में भी आपको, आप एक अटेम्प्ट तक कोचिंग पढ़ लोगे, दो तक बिल्कुल तो शायद कोई पढ़ने वाला है नहीं, क्योंकि 3 भी लग रहे हैं आजकल के टाइम में, जो एग्जाम का प्रोसेस हो गया है, तो है ना, डेढ़ डेढ़ दो दो साल लग जा रहा है, तो उतना टाइम तक तो कोचिंग भी नहीं पढ़ने वाला जाता है मेरे को लगता है ना, तो उसके अल्टीमेटली फिर उस टाइम पे तो आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो, तो वही चीज राइट। काम आने वाली है, फिर बाद में आपको रियलाइज होगा कि यार कोचिंग तो मैंने फालतू में ज्वाइन की थी, अल्टीमेटली करना था मेरे को खुद ही था सारी चीजें, है ना, सेल्फ स्टडी करनी थी, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन पता है इसमें क्या है, जो मैं समझता हूँ कि बताइए। पहले तो आप जॉब का नेचर समझो, जॉब का नेचर क्या है, असिस्टेंट गवर्नमेंट, आप एक थिंकिंग वाली जॉब में जा रहे हैं, आप खुद का दिमाग चलाना है, दूसरों के दिमाग पे स्पून फीडिंग पे आप नहीं रखते जिंदा, क्योंकि आगे डिसीजन आपको खुद लेने हैं, 135 बंदे आपके पीछे खड़े हुए हैं, आपके डिसीजन लेकर, है ना, तो वो चीज यही है, वो पेपर टू हम इसीलिए तो लिख रहे हैं कि अपना जो दिमाग है उसको सोचना सिखाना, उसको इसीलिए तो पुश कर रहे हैं, उसको कैसे सोचने का डिफिकल्ट, ऐसे अगर ऐसी सिचुएशन आई, उस सिचुएशन है हमारे लिए जो ऐसे के टॉपिक से, एक तरीके से अगर राइट। ऐसी आई तो ऐसा करूंगा मैं, वो हमको उसके लिए ट्रेन कर रहा है आगे के लिए, पेपर टू लिखवाने का एग्जामिनर का मेन एम तो यही है, उसमें एक थिंकिंग ह्यूमन बींग बनाना, कि सोचना सिखाना है तुमको, कैसे वाइड परस्पेक्टिव में सोच सकते हो तुम, जो मेरे हिसाब से जो मैं समझ पाया हूँ, सबसे बड़ा रीजन तो पेपर टू लिखने का यही है। राइट, बिल्कुल, ओके। तो ऋतिक, आपका क्वेश्चन है कि सर प्लीज मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ बता दीजिए, मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ बता दीजिए। तो इसमें मतलब अगर कोई स्पेसिफिक हो रहते तो आपको तो जरूर पूछ सकते हो, मैं बता पाऊंगा, तो बाकी मेडिकल तो का मैं बहुत बड़ा चल जाएगा, उसके लिए बाद में बहुत हम कवर ज्यादा है, तो करेंगे। बहुत आपको सारी कुछ चीजें हैं, स्पेसिफिक कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिक अगर कोई डाउट हो किसी में तो पूछ लो आप मेरे से। ठीक है? सर सर पेपर टू के रिगार्डिंग डाउट एक्चुअली। हाँ बोलिए। सर ऐसे में बहुत इशू हो रहा है एक्चुअली। उसमें हो क्या रहा है कि जब मैं लिखने बैठा हूँ तो मतलब टॉपिक तो ठीक है सर, समझ में आ रहा है कि क्या लिखना, पर वहां पर डाउट ये हो रहा है कि जब लिखने बैठा हूँ तो फिर चीजें नहीं माइंड में आ रही कि क्या क्या लिखूँ, मतलब पॉइंट्स क्या क्या डालूँ, पॉइंट्स कौन कौन से डाल के उनको कोरिलेट कैसे करूँ, फिर आगे कैसे बढ़ाऊँ, ये सारी चीजें, ये इशू हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि सर मतलब कंटेंट का सोर्स नहीं समझ में आ रहा कि एक कोई पर्टिकुलर सोर्स कौन सा रखूं, और यही है सर बस मेन इशू है सर कि ऐसे को लिखने में काफी दिक्कत आ रही है कि मतलब ठीक है, फॉर्मेट जसप्रीत वगैरह आप तो इसको पता है। हैंडल कीजिए। दो चीजों के साथ प्रॉब्लम है इनकी, एक तो अप्रोच, दूसरा कंटेंट। ठीक है, अप्रोच क्या होगी ऐसे की, कोई भी ऐसे मिला तो उसकी अप्रोच कैसे डिफाइन, मतलब कैसे करें, और दूसरा कंटेंट क्या रखें। तो कंटेंट में सबसे पहले कंटेंट का आपको इशू आ रहा है, कि कंटेंट कहाँ से गैदर करना है ना, तो देखो इसमें क्या होता है, कोई बना न्यूज़पेपर में कंफर्टेबल होता है नहीं होता है, आप न्यूज़पेपर में कंफर्टेबल हो कि नहीं पहले आप ये बताओ। सर कंफर्टेबल हूँ, द हिंदू डेली पढ़ता हूँ एडिटोरियल। हाँ तो आई थिंक मे बी उसमें थोड़ा बहुत नोट्स भी निकालते होंगे। हाँ वो तो करता हूँ, बट सर वो समझ में नहीं आता उन पॉइंट्स को कब और कैसे ऐड करूँ। अच्छा, तो उससे पहले तो सर जैसे कि वहां पे मैंने ग्रुप में देखा है टॉपिक्स डालते रहते हैं, वो वही सिखा रहे हैं कि आपको एजुकेशन की मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाला डाला था सर ने, तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई टॉपिक आया तो वहाँ पे आप ये मोदी जी के स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो वहाँ पे सर ने, तो ये रिलेवेंसी हमें दिमाग यूज करना होगा कि कहाँ कैसे टॉपिक आया तब यूज करना है, तो वो चीज समझनी है सबसे बड़ी चीज। तो अभी न्यूज पेपर से हमें कंटेंट ले लिया, कोई टॉपिक आया, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी के ऊपर टॉपिक आया, डेमोक्रेसी में फिर हम एक तो सीधा सीधा स्टेटमेंट आ जाते हैं करंट से, हमें स्टार्टिंग ही हम यहाँ से कर सकते हैं सीधा, जो मोदी जी का स्टेटमेंट है वहां से, फिर उसके बाद डेमोक्रेसी में कोई
क्या चैलेंजेस हैं हमारे बॉडी वाले पोर्शन में लिखेंगे हम, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं, और उसके अलावा चैलेंजेस कोई कुछ पीछे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है कि इसमें, वो सब चीजें बॉडी में डालेंगे। हाँ, तो इसके अलावा क्या सोल्यूशन, इसमें क्या और कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, सोल्यूशन वगैरह देंगे, कंक्लूजन दे सकते हैं उसमें, ये सब चीजें। ठीक है। और जैसे मैं आपको बताऊं, एक रियलिटी बताऊं, फॉलो करोगे आपके 100 मार्क्स आ जाएंगे, कुछ नहीं करना। और बताइए बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, 2012 से 2022 तक हर एक क्वेश्चन को बना लो, उनका मॉडल आंसर प्रिपेयर करना शुरू कर दो। आपके 100 मार्क्स नहीं आए तो मेरे से मिलने आ जाना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ने 100% सही बात कही। मैं बताना चाहूंगा भाई कि मैंने भी सेम चीज किया था, कि मैंने पहले अटेम्प्ट में ऐसा नहीं किया था, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ तुमको, है ना। तो मैंने ये किया था कि मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीएपीएफ वो सॉल्व किए थे बकायदा, इवन सर को भी भेजे थे मैंने कुछ चेक करने के लिए। तो उसमें मैंने सीएसएफ के एलडीसी का एग्जाम होता है, सीएफएसी का, सीएसएफएसी वो यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो उसके भी मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को कि अभी मेजर डर नहीं लगता पेपर टू, सबसे बड़ी चीज ये हुआ मेरे साथ, है ना। तो वहां से मैं समझ गया था, ये जो आपको इशू आ रहा ना कि चीजें कैसे रिलेट होंगे, कैसे उसको नॉलेज को अप्लाई करूँ, जब आप उनको सॉल्व करोगे ना, तब आपके जो माइंड है ओपन होगा, ब्रॉड वाइड एंड ओपन होगा, तब समझ में आएगा चीजें कैसे यूज करनी है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से, समझे। एग्जैक्टली। हाँ तो उसमें जैसे सीएसएफ एलडीसी वाला एग्जाम था, वो जो क्वेश्चन थे ना, उस लेवल के क्वेश्चन तो हम टेस्ट सीरीज में सोल्व करते थे, ठीक हाँ है? एग्जैक्टली तो मतलब नॉर्मल हो गया था वो चीज, इतना डर नहीं रहा था पेपर टू का कभी। ठीक है। तो देखो, एक चीज इससे फायदा ये होगा ऋतिक, के जो आप बोल रहे हो ना, उस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो इन्फॉर्मेशन ना गैदर कर रहे होते हैं ना, वो रिडंडेंट होती है, एग्जाम के परस्पेक्टिव से नहीं होती है। जब आप पीवाईक्यू ट्राई करोगे ना, पीवाईक्यू ट्राई करोगे, फिर आप करोगे, अरे यार ये तो मैं नोट्स मेकिंग कर रहा था, इसका तो मैं यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगली बार आप वो नोट्स बनाओगे नहीं, वो उस एटलीस्ट उस टॉपिक के नहीं बनाओगे, फिल्टर आउट होती चली जाएंगी चीजें। जितना प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, फिल्टर आउट होंगी, क्लैरिटी आएगी एग्जाम को लेकर। जितनी क्लैरिटी आएगी, उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के नजदीक जा रहे हो, बस सिंपल सी बात है। पीवाईक्यू मैं यही बोल रहा हूँ, 2012 से सर पीवाईक्यूज 22 तक आप कर लो। पेपर वन के हो या पेपर टू के हो, तो करना ही है, वो फिल्टर आउट करके क्लैरिटी दे हाँ, देंगे आपको, एक कई बार लिमिटेड क्या नैरो स्केप बताने के कि इसी पे चलना है बस, इससे ज्यादा इधर उधर नहीं होना है, सबसे सही बड़ी बात चीज। क्योंकि अभी तो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में विनर, मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो उसमें रहता है यार, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, है। ये वाली बुक अच्छी लग रही है इसको भी पढ़िए, कोचिंग का मटेरियल, ये फॉर एग्जाम्पल एबीपीएस का उस टाइम पे बुक निकाली थी उन्होंने, मेरे को वो अच्छा लगा, मैंने ये भी ले लेता हूँ, चलो मैं 15 दिन में पेपर टू का कर लेता हूँ इसको। लेकिन इन द एंड वो सब वेस्ट होता है, क्योंकि काम वही आता है जो पीवाईक्यू जो यूके, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, नथिंग एल्स, सिंपल देखो, मैं एक उनको चीज अगर और आप बताता सॉल्व कर हूँ, लोगे। हाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है? 2012 से 2022 तक, अभी तक हम 2017-18 तक कवर कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करते हैं, पकड़ पकड़ के पूछते हैं कैंडिडेट से, भाई आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या सोचते हो? उसका फिर मॉडल आंसर उनको मिलता है पूरा, मतलब डिटेल उनका। एक एक घंटा, एक एक 1.5 घंटा एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने के बाद क्या कुछ बचता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहा हूँ मैं, ये कोई डिस्कस नहीं करता इन चीजों को। आपको क्या डिस्कस करेंगे मैं बताता हूँ, मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी क्लैरिटी ला रहा हूँ दिमाग में क्या चीज है। मैं ये बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन को कोई डिस्कस नहीं करता है। आपके सामने डिस्कस वो किया जाएगा, एक कॉपी पेस्ट मटेरियल आपके सामने लाया जाएगा, और ऐसा कोई टॉपिक लाया जाएगा, उसको वो पढ़ देगा, ठीक है? और वो बता देगा, चले जाओगे आप। यहाँ क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, जिसपे आज तक किसी ने मॉडल आंसर नहीं दिया, जिसने एक यूपीएससी के एग्जामिनर ने उसको सेट किया। हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे 10 बंदे हम इकट्ठे हो गए, मैं उसका पॉइंट भी उसके अंदर एडजस्ट करने की सोच रहा हूँ, उसका इंट्रोडक्शन क्या है वो एडजस्ट करने की हम सोच रहे हैं, कंक्लूजन में क्या होगा वो एडजस्ट करने की सोच रहे हैं। तो 50 आदमियों के मतलब दिमाग, उसको एक आंसर में पिरोना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? बहुत सारी चीजें तो मैं सीखता हूँ उनसे, उनके पास इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बस मैं उनको डायरेक्शन देता हूँ, चैनलाइज करता हूँ। कई बार मैं कट ऑफ कर देता हूँ इमीडिएटली, नहीं कर सकते यूज ही, नहीं कर सकते ये यूज, ठीक है? उसके लिए वो ब्लॉक हो गया, उस तरफ उसको जाना ही नहीं, तो मैं उसको ट्रैक पे लाके छोड़ देता हूँ, फिर वो भागता है, ठीक है? हाँ ऋतिक, क्वेश्चन पूछो। सर कंक्लूजन को फ्रेम करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कंक्लूजन और नहीं इंट्रोडक्शन में फ्रेमिंग करने में दिक्कत आती है, और सर बस इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बस अच्छा कंक्लूजन में इंट्रोडक्शन क्लियर है सर। कंक्लूजन मुझे लगता है आसान होता है, इंट्रोडक्शन मुश्किल होता है।
कंक्लूजन में थोड़ा सा आपको पता जो आपने लिखा है थोड़ा सा समराइज करके चल दोगे तो काम चल जाएगा। इंट्रोडक्शन ओपनिंग लाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी वो तो देख के पता चलेगा आप किस हिसाब से लिखते हो। ठीक है, हाँ वो चीज देखने के बाद वो कंक्लूजन वाला इशू मेरे साथ भी था, तो वो चीजें मैंने साथ साथ प्रैक्टिस की, एसेज वगैरह या तो चीजें फिर बाद में रिजोल्व हो गई थी मेरी, एक दो करने के बाद आ गया था मेरे को आइडिया कि अभी ऐसे चलना है आगे। हाँ वो हाँ चीज एक दो पहले तो डोजियर हाँ आप भेजोगे तो मुझे पहले पता चल जाएगा कि आप कहाँ दिक्कत। हाँ एनालाइज करवाना पड़ेगा कि सर कैसे क्या लिख रहे हो। सर आपके ग्रुप का नाम क्या है? एक्चुअली आज मैं पहली बार ज्वाइन हुआ आपके साथ। टेलीग्राम ही है, डिफेंस स्टडीज के नाम से जो ग्रुप है, तो ओके सर, वहीं से आपको शायद लिंक तो भी मिला होगा। उस पे कॉपी चेक करते हैं। नहीं सर, एक्चुअली आपके मीटिंग का लिंक मैं नहीं वो अपने, पर्सनली मैं आपको भेज दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको एक टेलीग्राम एक अकाउंट का वो मिलेगा आपको रेफरेंस, वहां पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डिफेंस स्टडीज हेल्प के नाम। आपकी हाँ आपकी मेरी आईडी आईडी है पे। सर मेरे पास, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज वाइंड अप करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हाँ हो गया। सर, सर मेरा क्वेश्चन है। कौन? दिलीप हाँ सर, बोलिए, एक और क्वेश्चन। सर वो ऐप पर खुल नहीं रहा है उसको, थोड़ा वेब क्या बोला आपने? एप्लीकेशन? पर। हाँ सर, एप्लीकेशन पे वो पीडीएफ ठीक नहीं है खुल रहा। ठीक है, वो करवाते हैं। ओके ठीक है, वाइंड अप करें। पेपर टू के लिए स्पेशल क्लास रखेंगे आज, नहीं तो कल, नहीं सर तो परसों, किसी और दिन। ठीक है, यस सर बोलिए बोलिए। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉपी भेज रहा था, मैंने काफी ऐसे लिख रखे थे चेक करने के, पढ़ा हुआ सर, तो मैं सोच रहा था किसको भेजूं, कोई चेक करने वाला है ही नहीं सर। ठीक है, आपने एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं किए? नहीं सर, वहां तो मैंने अपलोड नहीं किया था सर। ठीक है, वहीं पे अपलोड करना होता है। चलो कोई नहीं, आप मुझे पर्सनली भेज देना। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके, चलो वाइंड अप करते हैं। जशमंत थैंक यू, आप आए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपने बताई इन लोगों को। कई बार क्या होगा, आप मतलब नेक्स्ट टाइम कोई और मीटिंग करेंगे जिस दिन आप बोर हो रहे होंगे, ठीक है, पिंग कर देना मुझे, दो तीन दोस्तों को और ले बिल्कुल आना। ठीक है, तो इसको डिस्कशन ग्रुप में चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, तो थोड़ी हेल्दी बिल्कुल डिस्कशन के लिए, एटलीस्ट मिसगाइडेड ना हो यार यूथ। मतलब मुझे ऐसा लगता है सच में, 2-3 साल मत वेस्ट करो। एक फुल फ्लेज अटेम्प्ट अगर ढंग से, क्या आपको लगता है एक फुल फ्लेज अटेम्प्ट में निकल सकता है मतलब? बिल्कुल निकल, बिल्कुल 100%। अगर आप 100% लोगों सही तरीके में, सही राइट डायरेक्शन में, राइट चीजों के साथ, तो 100% निकल सकता है। अगर आपके बिल्कुल 2 मार्क्स का डिफरेंस इधर उधर ना रहता तो आप अकेडमी में होते। ठीक है, वो 100%। थोड़ा सा वो रह गया, वो तो आपको पता है कहाँ हुई है। हाँ ठीक है, ये एग्जैक्टली वो दिक्कत चीज। ना हाँ होती वो तो अभी तक अगर कोई कहीं कोर्स नहीं इन होते। केस में अगर एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर वो 2 मार्क्स का डिफरेंस, यानी कि कैसे भी करके अगर वो मेरा क्लियर ना हो भी जाता, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज तो इम्प्रूव भी नहीं कर पाता मैं। एक अच्छा है जो अपना थिंकिंग, जो ह्यूमन बींग आज बन पाया हूँ, पहले से बेटर समझता हूँ कि उस दिन के हाल में बहुत डिफरेंस है मेरे में। पेपर टू में जो मेहनत किया उसने काफी हेल्प किया था मेरे को, है ना, खुद ब खुद जैसे वो मुझे लगता है कि चीज आपने खुद बिल्ड किया, कि 2 साल के अंदर आपने खुद में डेवलपमेंट की, और ये चीजें आपकी एकेडमी में दिखेंगी। ठीक वो है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है सर छोटी चीज में। जब पेपर टू बीतते ना, आपकी खुद की पर्सनैलिटी ग्रो कर रही होती है उस टाइम पे, वो रियलाइज नहीं होता आपको, वो चीज बाद में रियलाइज होती है जब प्रोसेस पूरा कर चुके हो। जैसे मैंने एग्जाम लिख लिया, आज मैं रियलाइज करता हूँ अपने आप को, अगर कंपेयर करूंगा एज कम्पेयर टू 2020 वाले जसवंत से, तो मैं डिफरेंस क्रिएट कर पाता हूँ आज, है ना। राइट, ये चीज है, पेपर टू पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, ये मुझे ऐसा लगता है 100%। ठीक है, ओके। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि पेपर टू क्या क्या आपके कर सकता है। ओके गौरांग, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस जो है, ठीक है, वो बता देंगे वो। ठीक है, वो आपकी बता प्रेफरेंस, फर्स्ट देता प्रेफरेंस हूँ। देख बता दो आप फिर भी। ठीक है। भाई, अब मेरा तो पहला सीआरपीएफ है, दूसरा सीआईएसएफ उल्टा है मेरा ठीक थोड़ा। है। हाँ वो तो ना ऑर्थोडॉक्स है मेरा, दूसरा सीआईएसएफ, ठीक है, तीसरा आई थिंक एसएसबी है, चौथा आईटीबीपी है, लास्ट बीएसएफ है। हाँ ठीक है, ऐसे है तो एक्शन देखना है हाँ इनको, कुल मिला के सीआरपीएफ एसएसबी का एक्शन डालूंगा तो देखना। सीआरपीएफ में। ठीक है, हाँ पर ये सोच के मत डालना ये ज्यादा मार्क्स मिलते हैं इंटरव्यू में। गलती सबसे बड़ी गलती है, नहीं जाना ये मत देखना इंटरव्यू और इंप्रेस हो जाएगा ये सीआरपी लेके आया है, तो ये सबसे बड़ा सर, ब्लंडर तो यही है ना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन अल्टीमेटली है। वहां भी जाके जस्टिस में चलना है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा तो क्या प्रेफरेंस है, डजंट मैटर उनके लिए, तुम एक न्यूट्रल कैंडिडेट हो, सब बराबर है उनके लिए, तो ठीक है, कोई सीएसएफ वाला सीआरपी वाला सब बराबर है उनके लिए, उसे कोई इंप्रेस नहीं होने वाले, ठीक है। वो अल्टीमेट वहाँ जस्टिफाई करना है, जो तुम 30 मिनट में परफॉर्म करने वाले हो उसके बेसिस पर नंबर मिलने वाले हैं, ना कि तुम्हारे फर्स्ट प्रेफरेंस पे।
राइट गॉट इट। ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, ऋतिक एंड दिलीप। ऋतिक फर्स्ट। ओके ऋतिक, सर सर हो गया, बस वही वही पूछना था, वही गलती से टाइप हो गया। दिलीप गो एड। सर मेरा क्वेश्चन है कि बीएसएफ लास्ट प्रेफरेंस लोग रखते हैं, बीएसएफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरा तो फर्स्ट प्रेफरेंस बीएसएफ ही है सबका, नहीं मतलब नहीं हाँ मैं बता देता हूँ सीआरपीएफ लास्ट भाई। रखते हैं, अब आपको पता है ये भी है, सीआरपीएफ ये भी लास्ट है रखते हैं, अब सर, बीएसएफ मैं के बहुत बीएसएफ से लोग रखता हूँ रखते हैं। क्योंकि मुझे वेपन चलाने का बहुत शौक है। हाँ सब में से मिलेगा, तो वेपन चलाने का बस शौक वही समझ। वही बात है ना भाई, सबका इंडिविजुअल चॉइस है किसको क्या पसंद है ना, किसी को बीएसएफ चाहिए, किसी को सीएसएफ चाहिए, किसी को सीआरपी चाहिए। अभी मेरा बीएसएफ रखने का पूछा जाए तो वैसे मैं जनरल आंसर दूंगा तो वो तो कुछ और रहेगा। अभी अब फ्रिक्वेंट फ्रेंडली बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रीजन ये बताऊंगा कि बीएसएफ में थोड़ा प्रमोशन का इशू सबसे ज्यादा है ना, वो चीज है। और सीआरपी भी है लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगा सीआरपीएफ में, वो चीज को तो वो है कि मेरा एक पर्सनल लाइकिंग है उस फोर्स की तरफ, तो चीज कंपनसेट हो जाएगी उससे। लेकिन बीएसएफ में सीआरपीएफ से ज्यादा है प्रमोशन का इशू, उसके लिए थोड़ा फैमिली लाइफ बीएसएफ की मोर और लेस तब भी है सीआरपीएफ तो उसमें थोड़ा आर्मी वाला टच आ जाता है ना बीएसएफ में, तो इसलिए रूल एंड रेगुलेशन ज्यादा आ जाती है बीएसएफ में, तो रूल में ज्यादा बन के रहना पड़ता है। लेकिन सीआरपी में थोड़ा ऑटोनॉमी मिल जाती है तुम्हें, कंपनी कमांडर रहोगे, इंडिविजुअल कंपनी पोस्टिंग रहेगी तुम्हारी इधर उधर, तो ऑटोनॉमी रहती है तुम्हारी कंपेरिजन टू बीएसएफ, अच्छी ऑटोनॉमी रहती है सीआरपी में जितना मैंने देखा है, तो इसलिए मैंने सीआरपी पहला रखा था। ठीक ओके है, और जो एडवेंचर बोल रहे थे तुम गन चलाने का, वो तो सीआरपी में भर भर के है भाई, उससे ज्यादा तो किसमें है नहीं जे एंड है? के में इतना काम मिलेगा आपको करने के लिए। छत्तीसगढ़ में घूमते रहोगे जे एंड के, मतलब उससे ज्यादा तो है ही नहीं एक्शन किसी भी देश इस समय इंडिया में, इवन आर्मी को भी नहीं जितना सीआरपी एक्शन कर रही है ना, तो उससे ज्यादा एक्शन तो कोई फोर्स कर ही नहीं रहा है इस समय इंडिया में। ठीक है, क्योंकि अभी तो जम्मू में आई थिंक आर्मी राष्ट्रीय को रिफल को रिप्लेस भी करने वाली है सीआरपीएफ, समझ विड्रॉ कर सकते हो आप लिया कितना बड़ा है। तो फिर वही एक्शन तो लाइफ टाइम है इसमें तो। है। राइट, और कोई क्वेश्चन वाइंड अप करें? ठीक है, लंबा नहीं खींचते सेशन, ठीक है, तो बिल्कुल वाइंड अप करते हैं। ओके थैंक यू यशवंत, जल्दी कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, ओके थैंक यू गाइस। थैंक यू सर, थैंक ओके यू सो मच सर। ओके थैंक यू, गुड नाइट।